शुभ संध्या आप सभी को। वॉइस क्लियर है एक बार बता देंगे आप लोग, वॉइस क्लियर है? सब सही चल रहा है? कोई दिक्कत मतलब दिखने में कोई दिक्कत हो तो बता देंगे आप लोग। चलिए एक मिनट हम पेज पे थोड़ा शेयर कर लें, उसके बाद से हम आ रहे हैं। ठीक, एक मिनट वेट करेंगे। हो सके तो शेयर कर दीजिए इसको, जहाँ भी अगर करना है आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ, उसके बाद से मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। ठीक है, वॉइस क्लियर एक बार बता देंगे। वॉइस क्लियर है? ठीक, एक बार शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, सबको शुभ संध्या आज की क्लास में, और सभी का स्वागत है। तो एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग जो क्लास में हैं, चाहे अपने ग्रुप वाले क्लास में, चाहे हाल ग्रुप में, एक बार मैसेज कर देंगे आप लोग। ठीक है, एक बार मैसेज कर देंगे, यहाँ जुड़े हैं आप लोग। एक बार क्वालिटी चेक कर लेंगे आप लोग अपनी। सही है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे, चाहे इस तरह भी मैंने आपको बहुत पहले, चाहे 2-3 घंटे पहले मैंने मैसेज भी किया था कि जो आज की क्लास होगी हम लोग KBS से संबंधित, चाहे KBS का जो ओल्ड पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जैसे जितने भी ओल्ड पेपर हों, चाहे TGT 8 के हो, चाहे KBS के हो, NBS के हो, जब जब टाइम मिलता है तब तब मैं इसी चैनल पे आप लोगों को कराता रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग सेशन रखे हैं, इस सेशन में हम लोग KBS 2013 का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें एक दो त्रुटियां हैं और उस त्रुटियों को भी हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अगर हो सकता है कि उसमें अगर चेंजिंग हो कहीं आपके पास अथेंटिक हो तो आप उसे ग्रुप में जुड़ के, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के, उसमें आप एक बार मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें ये गलतियाँ हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको जुड़ना हो तो इसके क्या वीडियो के लिंक में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपना प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाएं। अब ये है कि थोड़ा बहुत PDF है ये, और PDF को ही रखा गया, एडिट किया गया है, तो आप उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि कहेंगे कि ये PDF है चाहे इस पर पढ़ना है। ये KBS 2013 का पेपर है। ठीक है, आप लोग बताएंगे दिख रहा है अब, ये KBS 2013 का पेपर मैं हल किया हूँ और इसी पेपर को आज हल किया जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को पेपर, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। ये पेपर क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इस पेपर को हम लोग हल करेंगे, लगभग 100 प्रश्नोत्तरी है इसमें। नहीं सर जी, पेपर नहीं दिख रहा है? कोई कह रहा नहीं सर जी, कोई कह रहा यस सर जी, पेपर दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हल किया गया है। अच्छा क्लियर है, चलिए क्लियर हो तो अच्छी बात है। इसको हल किया गया है और KBS 2000, ठीक है, KBS 2013 का ये पेपर है, ओल्ड पेपर है। लिख लेंगे पहले टॉपिक क्या है आपका, KBS, ठीक है, 2013 का ओल्ड पेपर है ये, इसी को हल करना है हम लोगों को आज। ठीक, और इसमें कोशिश ये रहेगी कि इसको बताया जाए, कुछ बता दिया जाए, किसी में क्लियर आउट हो उसको भी क्लियर आउट कर दिया जाए, और कुछ टॉपिक हो तो उसको भी हम लोग अच्छे से हल कर दिया जाए। ठीक है, इसमें यही चर्चाएँ करेंगे हम लोग। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये दिया है
कि कांगड़ा शैली का जो चित्रकला है, चाहे चित्रकला और कला के विकास में, ठीक है, किस राजा के शासनकाल के दौरान अपना स्वर्णिम युग, चाहे चरमोत्कर्ष युग कह दीजिए उसे, स्वर्णिम युग कहिए चाहे चरमोत्कर्ष युग हासिल किया था। और इसमें आपको क्रम से दिया है, पहले भी दिया है कि राजा हरिश्चंद्र, दूसरे पे अभयचंद्र, और तीसरे पे दिया घमंड चंद, और चौथे पे दिया है राजा संसारचंद। अब ये बात कर रहा है किसकी, तो कांगड़ा शैली की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कांगड़ा शैली में देखा जाए तो राजा संसारचंद का जो समय काल है ये स्वर्णिम काल कहलाता है, और इसी काल को हम चरमोत्कर्ष काल कहते हैं। और इसी काल में देखा जाए तो ये कांगड़ा चित्रकला शैली थी अपने चरमोत्कर्ष काल तक पहुँची थी। अब आते हैं कांगड़ा शैली, ये कांगड़ा शैली है क्या, तो कांगड़ा शैली पहाड़ी की उपशैली है, ठीक है, पहाड़ी शैली की उपशैली है। और पहाड़ी शैली की उपशैली अगर माना जाता है कांगड़ा को, तो इसका जो चरमोत्कर्ष काल था 1786 से लेके और 1805 था, ठीक, क्या था, 1786 से लेके 1805 माना जाता है। अब इसका समय आपको पूछता कैसे है, जैसे NVS में इसको एक बार पूछा था कि जो कांगड़ा चित्रकला शैली है चाहे पहाड़ी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कैसे, स्वर्ण काल का समय काल क्या था, तो इसको क्या नाम दिया था। तो ये जो काल है, ध्यान रख रहेंगे, जो ये काल है 1786, तो 1786 है ये लगभग 18वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, और 18वीं शताब्दी का ये हम कह सकते हैं उत्तर या विलंबित काल, इसको बोल सकते हैं उत्तर या विलंबित काल कह सकते हैं। तो इसी को दिया था कि 18वीं के विलंबित में और 19वीं के प्रारंभिक में इसका समय काल माना जाता है, किसका, कांगड़ा चित्रकला शैली का। अब इसमें देखा है तो कांगड़ा चित्रकला शैली में जो कांगड़ा है, तो कांगड़ा पहाड़ी शैली की सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है, और जो इसकी सबसे प्राचीनतम शैली जो मानी जाती है वो बसोहली शैली मानी जाती है। वो बसोहली भी किसकी है, तो बसोहली पहाड़ी शैली की उपशैली मानी जाती है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, दूसरा दिया है कि मंकू कुशाल, ठीक है, किशनलाल पुरखू फत्तू ने, ठीक है, ये सभी जो कलाकार है किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया है, दिया है मंडी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मंडी, ठीक है, मंडी दिया है, मंडी के बाद गढ़वाल, गढ़वाल के बाद चंबा, चंबा के बाद कांगड़ा। ये सभी जो शैलियाँ हैं ये सभी पहाड़ी शैली की उपशैली है। इसमें ट्रिक पे नहीं जाएंगे, हो सकता है कोई ट्रिक गलत भी लग गया हो, इसको हल कराया जाएगा, देखिए ध्यान रख रहेंगे। अब देखिए दिया है कि मंकू है, कुशाल है, किशनलाल है, पुरखू फत्तू, ये कलाकार किस शैली के कलाकार माने जाते हैं। तो सभी देखिए पहाड़ी शैली के कलाकार हैं, और पहाड़ी शैली भी उपशैली में दिया है इसमें। तो क्या है, तो कांगड़ा है, ठीक है, ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन वन है मंडी, और बी है क्या है, बी है गढ़वाल, और सी है चंबा, और डी है क्या, कांगड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका सही आंसर, आंसर करते रहेंगे, क्लास वाले भी नहीं जुड़ेंगे। इसका कांगड़ा नहीं पता है, अच्छा डी है, कोई सी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, डी है सर, कोई कह रहा है सी है सर, कांगड़ा होगा, ध्यान रख लेंगे। देखिए अब यहाँ से नहीं पकड़ में आता है तो कांगड़ा के एक दो चित्रकार अगर हैं, इस तरह थोक में जब चित्रकार आपके सामने आ जाए तो कोशिश करिए, सबको तो याद कर नहीं पाएंगे, आप लोग एक को चिन्हित करिए। अगर एक को आपने चिन्हित किया, जैसे पुरखू है, ये पुरखू देखा जाए तो वेडेल पावेल ने पुरखू को कांगड़ा शैली का सबसे निपुण चित्रकार माना था। कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार पुरखू को किसने माना था, वेडेल पावेल ने माना था। और पुरखू किस शैली का है, तो एक कांगड़ा शैली का चित्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरे ओवरऑल का जो थोक में दिए गए कलाकार हैं जिनका नाम है मंकू कुशाल, किशनलाल पुरखू और फत्तू, ये सभी कांगड़ा शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा शैली के बारे में अभी मैंने विशेषताएं बताया। कांगड़ा शैली में तीन प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया गया है, और तीन प्रकार की नायिकाओं में उन नायिकाओं का आठ अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है सर जी, थोड़ा नेटवर्क वीक है, साफ नहीं, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपना देख लीजिए, यहाँ से तो बिल्कुल सही है, यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर आउट है, सामने रखा है सिस्टम, उसमें भी अच्छा चल रहा है, दो दो सिस्टम रखे हैं, दोनों में सही चल रहा है। ठीक, एक में नहीं, सब में सही चल रहा है, हमारे पास दो दो सिस्टम यहाँ पे लगे हैं, एक कमेंट के लिए और एक लाइव स्ट्रीम हो रहा है कि कैसे क्या इसमें गड़बड़ियाँ हैं, दो है, दोनों में सही चल रहा है। चलिए सही है, अपना उसमें क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिए, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हीर और राजा, देखिए ये दोनों अगर देखा जाए
तो हीर और राजा वाला क्वेश्चन अधिकांश से पूछा गया है और पूछता भी इनसे दिया है कि हीर और राजा और सोहनी महिवाल जैसी प्रसिद्ध लोक कहानियों के चित्रण किस शैली में मिला है। ये जो लोक कला शैलियाँ हैं, ये लोक कलाएँ हैं, ये प्रेम से संबंधित लोक कलाएँ हैं और ये पंजाब में पनपी लोक कला है। कहाँ पर? पंजाब की हैं। और इसी का चित्रण किसने किया था, किसमें हुआ था? तो इसका चित्रण देखा जाए तो किसमें हुआ है? कुल्लू में हुआ है कि चंबा में हुआ है कि कांगड़ा में हुआ है कि मंडी में हुआ है, इसको बताएंगे। क्योंकि ये पंजाब की लोक कला मानी जाती है और प्रेम से संबंधित ये दोनों लोक कलाएँ हैं। क्या नाम है उसका? हीर और राजा और सोहनी महिवाल। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। कांगड़ा को और किस नाम से जानते हैं? कांगड़ा को और कुछ बोलते हैं क्या? कांगड़ा को और किस नाम से जानते हैं बताएंगे? कांगड़ा को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, रंगू का काव्य कहते हैं। पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, वेरी गुड। पहाड़ी कभी कभी यहाँ दे देता है, कांगड़ा निम्न से है तो किस शैली से, तो पहाड़ी शैली से। हाँ, रंगू का काव्य कहते हैं, इसके बारे में बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। और कोई क्या लिखा है यहाँ पे? नारी सुषमा पूरे हम पहाड़ी चित्रकला शैली को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नारी सुषमा है क्या, इसका प्रभाव जानते हैं कहाँ मिलता है? कांगड़ा शैली की जो 8 नायिकाओं का चित्रण किया गया है, उनकी जो 8 अवस्थाएं हैं, नहीं सॉरी, 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया गया है, वहाँ पे 8 अवस्थाओं उनकी चित्रण जो कार्य किया गया है उसमें देखा जाए तो राधा और कृष्ण को एक ऐसे मनोरथ के साथ चित्रण किया गया है कि कुछ भी जो भी वहाँ की घटनाएँ हों उनसे संबंधित अगर देखा जाए, अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो कलाएँ थी वो नारी सुषमा के उपरांत मानी जाती है कांगड़ा शैली, ठीक है। कांगड़ा नहीं, पहाड़ी चित्रकला शैली। आते हैं यहाँ पे, अब दिया है कि स्नान के बाद, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सभी क्वेश्चन आपको कराया गया, लगभग कराया नहीं गया होगा लेकिन इसका हम क्विज करा देंगे, ठीक है। अब देखिए, दिया है कि स्नान के बाद, ठीक है, आफ्टर द बाथ, जो ये प्रसिद्ध पहाड़ी पेंटिंग है वह चित्र शैली किसमें है? ये चित्र शैली चाहे ये चित्र किसमें है? तो गढ़वाल में है, या बसोहली में है, या कांगड़ा में है, या फिर चंबा में है। ये भी क्वेश्चन कराया गया आप लोगों को, जहाँ तक उम्मीद है। स्नान के बाद, आफ्टर द बाथ देखा जाए तो इसका चित्रण किस शैली में किया गया है, इसको बताएंगे। आफ्टर द बाथ, स्नान के बाद, इसका चित्रण किस शैली में किया गया है? इसका चित्रण किस शैली में किया गया है? बस दो ही लोगों को पता है, बाकी लोग सब हल करा दिया गया पेपर। अगर देखा जाए तो ये सभी पेपर हल करा दिया गया आपको, यहाँ तक मेरे क्यूज में भी करा दिया गया। हाँ, एक गढ़वाल शैली में, हाँ एक गढ़वाल शैली, एक गढ़वाल शैली की एक देखा जाए तो यहाँ पे एक मौलाराम तोमर थे, प्रसिद्ध चित्रकार। तो पूछा गया कि मौलाराम तोमर कौन थे, तो ये पहाड़ी चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। मौलाराम तोमर पूछा गया था आप लोगों से कि मौलाराम तोमर कौन थे, तो पहाड़ी चित्रकार माने जाते हैं। और जो स्नान के बाद जो नामक चित्र है, चाहे आफ्टर द बाथ है, जो एक प्रसिद्ध पहाड़ी पेंटिंग है, वह देखा जाए तो गढ़वाल शैली से संबंधित है, ठीक है। अगला आते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है कि अगला क्वेश्चन कि अवनींद्रनाथ टैगोर, दिया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर, ध्यान न करेंगे, दिया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में किस संस्था की स्थापना की थी। ये KBS का पेपर है, ध्यान रखेंगे, ये KBS का पेपर है, मतलब केंद्रीय लेवल का है, KBS हो चाहे NBS हो, इस पेपर में थोड़ा KBS और NBS के लिए अलग आंसर होता है और TGT PGT के लिए अलग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी 1907 में, तो इसमें किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ध्यान रखेंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1907 में होती है। और इसके स्थापना करने वाले, ध्यान रखेंगे, पहले TGT वाले लिख लेंगे कि TGT वाले इसको किसको याद करेंगे, गगनेंद्रनाथ टैगोर को याद करेंगे, ठीक है, गगनेंद्रनाथ टैगोर। और इसको KBS और NBS वाले, केंद्रीय लेवल वाले, DSSB वाले भी इसको याद रखेंगे, KBS, DSSB और NBS वाले इसको याद रखेंगे अवनी बाबू को, ठीक है। इसको अलग अलग दोनों क्या बोलते हैं, दोनों संस्थाएं अलग अलग मानती है इसको, KBS अलग और ये का TGT PGT अलग मानती है, ठीक। तो ध्यान रख रहेंगे, इसमें दिया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में, अगर TGT में पूछता है, PGT में पूछता है, तो वहाँ पर लगाएंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगर आपको पूछता है वहाँ पर कि केंद्र में, चाहे KBS और NBS में पूछता है, तो वहाँ पर लगाएंगे आप अवनींद्रनाथ टैगोर को। दोनों लोगों की विशेषताएं अलग अलग हैं, जैसे गगनेंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय अगर देखा जाए तो घनवादी में
चित्रण करने वाले प्रथम हैं, प्रथम वैज्ञ चित्रकार हैं, कार्टूनिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं, और स्टेनला कैमिल्स ने इनको प्रथम घनवादी चित्रकार कह के संबोधित भी किया था गगनेंद्रनाथ टैगोर को। और गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, 1867 में। तीन हैं टैगोर, तीन ही हैं, तीन टैगोर को याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। याद करने का क्रम देख लीजिए, जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट में चलते रहेंगे, जो अल्फ़ाबेट सबसे बाद में उनको सबसे बड़ा बुजुर्ग मानेंगे, सबसे बाद वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर आर है, सबसे बाद वाला अल्फ़ाबेट आता है, तो आर को याद रख लीजिए, वो सबसे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद से अब देखा है तो उसके बाद कौन आते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर। जो सबसे दूर हैं ई अल्फ़ाबेट से वो सबसे बुजुर्ग होंगे, और जो नज़दीक होगा वो सबसे नवीन हो जाएंगे। तो सबसे बुजुर्ग कौन हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद से ग आएगा गगनेंद्रनाथ टैगोर जी से, उसके बाद से अवनी बाबू हो गए अवनींद्रनाथ टैगोर, तो ये नए हो जाएंगे। तो सबसे नए के तौर पे 1871 में जन्म अवनींद्रनाथ टैगोर का, 1867 में गगनेंद्रनाथ टैगोर का, और 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, इतना क्लियर होगा तो बताएंगे, बताते रहेंगे अगर क्लियर होता जाएगा तो, नहीं होगा तो वो भी बताएंगे। इतना क्लियर आउट हुआ, चलिए तो बताते रहिए क्लियर आउट हुआ कि नहीं हुआ। समझ लीजिए पेपर बहुत अपने के लिए बहुत बेस्ट है, इसमें अगर हम अगर 100 पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 का मतलब कि 200-300 पेपर, 200-300 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आराम से, सभी आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो बचा होगा। अब देखते हैं कि वीणा वादनी पेंटिंग किस चित्रकार की रचना है, वीणा वादनी पेंटिंग किस चित्रकार की रचना है, ये भी क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया, जो भी केबीएस में, सर साफ नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए एक बार, साफ दिख रहा है यहाँ से, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीणा वादनी चित्र देखा जाए पेंटिंग किस चित्रकार की है, तो वीणा वादनी देखा जाए तो पहले देखा ऑप्शन में दिया है, पहला दिया ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया है नंदलाल बोस, और तीसरा दिया है असित कुमार हल्दार, और चौथा दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। ये चार आपके ऑप्शन में मिल रहे हैं, क्या हो जाएंगे, वीणा वादनी नंदलाल बोस की कृति मानी जाती है, चाहे वीणा वादनी किसकी रचना है तो नंदलाल बोस की है। अब इसके इर्द गिर्द चलते हैं, तो नंदलाल बोस का ध्यान आपको सबको पता है कि नंदलाल बोस देखा जाए तो इन्होंने न्यू बंगाल शैली चाहे नव बंगाल शैली की स्थापना की थी, और स्थापना क्यों कर दिए थे, अब ये नहीं कि स्थापना किए तो सेम कॉपी पेस्ट कर दिए, इससे पहले बंगाल शैली की स्थापना किए थे कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और वास पद्धति को लाया था, किसको, वास पद्धति को लाया था। अब इनसे क्या हुआ कि ये भी अपने कलाकारी के लिए कुछ अपना उत्साह दिखाना चाहते थे, तो नंदलाल बोस ने क्या किया कि वास पद्धति के साथ टेम्परा को भी जोड़ दिया, वास पद्धति और टेम्परा को ला के इन्होंने न्यू बंगाल शैली की स्थापना की, चाहे नव बंगाल शैली की स्थापना की, नव बंगाल शैली की स्थापना किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, और बंगाल शैली की स्थापना तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति को लेकर किया था, और इन्होंने किसको मेंशन किया था, तो टेम्परा को मेंशन किया था, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी असित कुमार हल्दार, इनके बारे में अभी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरे पीसी में चाहे दोनों में बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसको दिखा नहीं सकते, देखिए हमारे में क्वालिटी इसकी जितनी भी हो, यहाँ भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, देखिए बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है इसमें, और बाकी पीसी में भी उसमें भी क्लियर दिखा रहा है, आप लोग एक बार देख लें क्वालिटी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस शासक ने भारत में मुगल कला शैली की स्थापना की थी, देखिए ध्यान रख रहे हैं केबीएस में फिर चल रहे हैं, एक थोड़ा लगेगा कि विवादित क्वेश्चन है कि विवादित कुछ नहीं, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मुगल कला शैली की स्थापना की थी, भारत की बात कर रहा है, बहुत से बुकों में देखा जाए तो आपको अलग अलग मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या करेंगे कि शाहजहां मानेंगे, कि जहांगीर मानेंगे, कि हुमायूं मानेंगे, कि बाबर मानेंगे, भारत में मुगल कला शैली की स्थापना, कला शैली लगा है, भारत में मुगल कला शैली की स्थापना, सही सर, चलिए कोई लाइक करे या ना करे, हम तो लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलते ही नहीं, इनको पढ़ना है, पढ़ लीजिए, किसको मानेंगे, अभी इसमें सस्पेंस है बहुत लोगों का, क्लियरिटी थोड़ा कम है,
नहीं नहीं क्लियरिटी कम, देखिए क्लियरिटी कम आप अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ से लाइव स्ट्रीम जो हो रहा है यहाँ पे क्लियरिटी बिल्कुल सही है, ठीक यहाँ पे क्लियरिटी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरिटी बिल्कुल सही है। आप लोग थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 144 पे देख रहे हैं PPI पे, तो फिर उसको बढ़ा लीजिए 340 कर दीजिए, 340 करेंगे जहाँ तक उम्मीद है सही हो जाएगा। ठीक अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मुगल कला शैली की स्थापना किया था। अब देखिए मुगल कला शैली की अगर बात करते हैं तो मुगल कला शैली में जो संस्थापक माने जाते हैं वो हुमायूं माने जाते हैं। अब हुमायूं हो गए मुगल कला शैली की, अब मुगल वंश की बात आते हैं चाहे मुगल काल की बात आते हैं, तो मुगल वंश चाहे मुगल काल की स्थापना करने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है, वो बाबर माने जाते हैं। और बाबर ने सबसे पहले मुगल चित्रकला शैली में चाहे मुगल काल में स्थापत्य कला की शुरुआत कराए थे। उसके बाद जहांगीर के काल है, तो जहांगीर के काल में जो चित्रकला बनी थी वो एक चरमोत्कर्ष तक थी, चाहे उत्कर्ष काल थी, कर सकते हैं कि स्वर्ण युग में चित्रकारी जो हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद से शाहजहां के काल में मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है, काल मतलब टाइम पीरियड की बात बारे में बात हो रही है। और बाकी मुगल काल की स्थापना कर पूछे तो बाबर हो जाएंगे, और मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां, और मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, और मुगल कला शैली का अगर नींव देखा जाए तो किसने किया था, तो हुमायूं ने किए थे, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसमें, अब कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि पूरे ओवरऑल में मुगल शैली के चाहे मुगल चित्रकला शैली का, मुगल चित्रकला शैली का, चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, बताएंगे पूरे मुगल चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, आप लोग सबको पता है, बताया भी गया क्लास में कि पूरे मुगल, चाहे इस तरह पूछे कि मुगल चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार किसको माना जाता है, बस एक ही लोग का आंसर आया, बाकी लोग इतना लेट, अबुल हसन कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, किसी का देख के बता दे, नहीं अपने कॉन्फिडेंस से बताइएगा, नहीं हो तो मत बताइए, याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो उसको लिख दीजिएगा कि रिवीजन मुझे करना है। जिस टॉपिक में आपको लगे वहाँ पे वीक है, मैं लास्ट में बताऊँगा कि जिस टॉपिक में वीक है उसको कैसे हल करना है, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकें कि अच्छा कुछ बेटर कर पाएँ। ठीक अब आते हैं यहाँ पे कि ये कंप्लीट हो गया कि मुगल कला शैली की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने किया था, मुगल वंश की चाहे मुगल काल की बाबर ने, और चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जहांगीर, और शाहजहां देखा है तो मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन टाइप चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है लेकिन बस आपको थोड़ा घुमाने के लिए टाइप चेंज क्या कर दिया है, ये कहां गया, टाइप देखिए क्या चेंज किया है इसमें, थोड़ा देखिए टाइप क्या चेंज है कि ईरानी शैली में चित्रकला में निम्नलिखित में से किस रिवाज का पालन किया जाता था, ईरानी शैली में दे रहा है कि रात और दिन का, ऑप्शन सूर्य और छाया का, या रोशनी और अंधेरा का, या इनमें से कोई नहीं, किसमें ईरानी शैली में चित्रकला में निम्नलिखित में से देखा जाए तो किस रिवाज का पालन किया था, रिवाज मतलब होता है कि कोई ऐसी परंपराएं हों कि जो उसको एक शैली से लेकर दूसरी शैली में ले जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवाज कहते हैं चाहे परंपरा कहते हैं। अब बताएंगे कि ईरानी शैली में चित्रकला में निम्नलिखित में से किस रिवाज का पालन किया जाता था, रात और दिन का, या फिर रोशनी और अंधेरा का, या सूर्य और छाया का, थोड़ा यहाँ पर सस्पेंस किया हम लोगों को, जानते क्या यहाँ पर दिया है कि सूर्य और छाया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इसकी जगह पे हमने क्या पढ़ा है, छाया और प्रकाश पढ़ा है, क्या पढ़ा है, छाया व प्रकाश, अब ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे छाया और प्रकाश दिया तो आपको छाया यहाँ पे दे दिया कन्फ्यूजन करने के लिए, तो छाया और प्रकाश के तौर पर रोशनी और अंधेरा कर देंगे, रोशनी से क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, और अंधेरा से छाया हो जाएगा, तो रोशनी और प्रकाश अंधेरा का यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि बस आपको डाइवर्ट किया ये शब्द प्रयोग करके कि आप इसको लगाइए, और इसको लगाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा, इस पे ध्यान रखेंगे, इसका अदर नाम लिख लेंगे, छाया और प्रकाश इसी को बोलते हैं, रोशनी और अंधेरा को। अगला क्वेश्चन दिया कि अकबर के शासनकाल में, दिया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध सफाविद चित्रकार कौन था, यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो अकबर के शासनकाल में अमीरचंद तो बिल्कुल नहीं थे, आकारीजा तो बिल्कुल नहीं है, चले जाएंगे बीकानेर शैली में, हम क्या मतलब उससे, आकारीजा नहीं, आकारीजा तो ये इसका है जहांगीर के कालीन है, इसको रहना ये है जो आकारीजा था, ध्यान रख रहेंगे ये नकलची चित्रकार था, कह सकते हैं फोटो कापी बनाने के लिए जो चित्रकारी मिलती थी उसकी फोटो कापी तुरंत बना देता, प्रतिलिपियाँ बनाने में अग्रहणी था ये,
अकारिजा, इसको नकलची चित्रकार बोलते हैं। अब दिया कि अकबर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध सफाविद चित्रकार कौन था, तो वो है मीर सैयद अली, तरवेज की मीर सैयद अली है, जो जहांगीर ने दो चित्रकारों को लेकर आया था वहां से, जो जिसका नाम है मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी। तो मीर सैयद अली जो देखा जाए तो ये सफाविद चित्रकार माना जाता है अकबर के शासनकाल का, और मीर सैयद अली को हम जो अलग नाम से बोलते हैं तो जुदाई नाम से जानते हैं। इसका जो अलग नाम है इसको हम जुदाई नाम से मीर सैयद अली को जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड होगा तो बता देंगे क्योंकि स्पीड 100 क्वेश्चन है, अभी लगभग 8-9 हुए, तो स्पीड होगा तो आप लोग बताते रहेंगे सर स्पीड हो रहा है, तो उसका भी कुछ उपाय किया जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अकबर ने बहुत कुछ कार्य किया था, अकबर ने हिंदी साहित्य पर भी कार्य किया, स्थापत्य पर भी कार्य किया और चित्रकला पर भी कार्य किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा धैर्य से पढ़ेंगे। दिया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो आप लोग देखेंगे पहला दिया ऑप्शन पार्श्व चित्र और उभरी हुई किनारी। ठीक है, किनारी का मतलब कि बॉर्डर या हाशिए का विशेषताएं, हाशियों पर विशेष प्रकाश देना, प्रकृति का अध्ययन। ठीक है, अब दिया है कि खूबसूरत सुलेखन, अब दिया ये सभी दिया है, सही है, क्या सही है बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा बताइए, कोई बता रहा है डी, कोई डी, सभी डी तो बता रहे हैं, बी कौन बता रहा है, सही स्पीड, चलिए ठीक, वैभव यादव डी, चलिए ठीक है, सभी है, चलिए ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ से नहीं पकड़ में आता है, कोई कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सस्पेंस करता है, आप इसके वजह से थोड़ा सस्पेंस हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, हम दो बातों को पकड़ेंगे, जब दो आंसर सही मिले, तीसरा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करे तो हम लोग इनमें से सभी दिया तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। देखिए क्या दिया इसमें, ठीक है, इसमें दिया है कि 500 चित्र और उभरी हुई, ठीक है, किनारी, उभरी हुई किनारी का मतलब कह सकते हैं कोई हमने चित्र बनाया, ठीक है, और ये हमारा चित्र है, उभरी हुई किनारी का मतलब किनारे, अगले भाग में कह रहा है, कह सकते हैं हाशिए का, हाशिए जैसे मान लीजिए कि इसके हम हाशिए बना दिए, तो ये विशेषताएं देखा जाए तो हाशिए बना दिए चित्र के, उभरी हुई अवस्थाएं इसको कह रहे हैं, और उसके बाद अगर कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था, ये क्या है हमारा किनारी हुई है, और खूबसूरत सुलेखन, ये तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना ही जाता है, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्यकाल का स्वर्णकाल माना जाता है, और इसमें सुलेखन भी कार्य हुआ है और प्रकृति का भी अध्ययन हुआ है, और ये सभी कार्य देखा जाए तो अकबर के शासनकाल में चित्रकारी में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अकबर एक बहुत विशेष है, इसके बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अकबर का अर्थ क्या होता है, अकबर क्या है बताएंगे, अकबर क्या है, अर्थ भी पूछ लेगा अकबर क्या है तो क्या बताएंगे, अकबर क्या है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, वन लाइनर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, अकबर क्या है, हाँ अकबर महान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल पूछ देगा कि अकबर क्या, तो अकबर महान है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिया कि मुगल काल में किनारी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, वहीं हम बता दिए, किनारी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, जैसे मुगल चित्रकला शैली में हमने एक चित्र बनाया, मान लीजिए कि हमारा एक चित्र है, हमने एक चित्र का ऐसे निर्माण किया, अब इस चित्र में देखा है तो हमने क्या किया कि चित्र सब बनाने के बाद कुछ भी चित्र बनाए और इस किनारी को हमने बहुत अच्छे से सजावट कर दिया। देखते होंगे आप अभी भी जो घर में आपके चित्रकारी हो मौजूद भी हो तो उसके हाशिए चाहे बॉर्डर बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। अब कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में, दे रहा है कि मुगल काल में किनारी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी किनारी पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाशिए बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ये शब्द मिलता जुलता है, इसी को हम क्या कहेंगे, हाशिए। तो इसमें दिया है कि आपको हाशिए भी दिया है, हारा गाढ़ा ढांचा ढाबा दिया है, इसको गलत है, ये तो गलत ऐसे ही कर देंगे इसको, जन्नत दिया है तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, और किनारी दिया है तो किनारी ध्यान रखेंगे, बहुत से बालक किनारी पे जाएंगे लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मुख्य तौर से अगर किनारी पे जो पेंटिंग की जाती है उसको हम हाशिया बोलते हैं। अगर इसी में बीच में किसी व्यक्ति का हमने चित्र बना दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति का हमने चित्र बना दिया, इसी को हम सभी बोलते हैं, क्योंकि सभी और
क्या बोलते हैं सभी, और हंसी में सस्पेंस रहता है। सभी का मतलब होता है किसी का पोर्ट्रेट बना दें वो सभी कहलाता है, और कह सकते हैं हंसी का मतलब कि किसी चित्र आकृति को चाहे चित्र को सुशोभित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हंसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख रहेंगे। अब आते हैं, देखा जाए तो मुगल चित्रकला शैली की अगर बात करते हैं तो मुगल चित्रकला शैली में हंसी का प्रचलन, आगे चलते हैं हंसी का प्रचलन कैसे क्या हुआ था। ठीक है, हंसी, हाँ हंसी, हंसी दिया, हंसी नहीं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है इस समय, बताएंगे क्लियर है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कोई कह रहा है नहीं सर, कोई कह रहा है जी सर। कोई कह रहा सी, अरे सी नहीं, अच्छा पेज वाइट कर दें, चलिए एक मिनट वेट करेंगे, पेज वाइट कर देते हैं, पेज वाइट नहीं, अब बताएंगे वॉइस क्लियर है। आप सही, अब बताएंगे क्लियर, ये दिक्कत हो गया कि यदि कनेक्टिंग हो गया। अब सही है, रिकनेक्टिंग हो गया ऑटोमेटिक, अब आप लोगों से इधर चर्चा कर रहे थे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, की है पूरे सिस्टम का, एक की है, एक की अगर गड़बड़ होती है तो पूरा सिस्टम ही मतलब बंद हो जाता है। नहीं नहीं नेटवर्क नहीं, यहाँ पे एक की है, एक की अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता पूरा सिस्टम एक ही की से यहाँ पर संबद्ध है, दिक्कतें हो रही है। चलिए इसमें अब क्लियर दिख रहे तो बताएंगे। अब क्लियर है, अरे चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर तो अच्छी बात है। एक बार शेयर कर दीजिए फिर ग्रुप में बता दीजिए, रिकनेक्टिंग हो गया था पता नहीं कैसे। नेट नहीं खत्म हो जाएगा, आप लोग तो अभी ऐसे कह रहे हैं नेट खत्म हो गया, एक मिनट वेट करेंगे। एक बार बता देंगे क्लास में आप लोग, एक बार क्लास में बता देंगे आप लोग सभी लोग। पता नहीं कैसे रिकनेक्ट हो गया, अरे नहीं ऐसा मत सोचिए कि मुझे लगा कि बंद हो गई क्लास, ऐसा नहीं है। आप सही है, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगर क्लियर दिख रहा हो तो। आलो के एक मिनट वेट कर देंगे, आलो के हैं एक मिनट वेट कर लेंगे, रिफ्रेश कर लीजिए सभी को, मैं थोड़ा ये डिश सुबह की जानते हैं क्या है, क्लास सुबह में रखी जाए, समझ रहे हैं, सुबह में रखने में बहुत बेनिफिट है यहाँ पे,
क्योंकि सुबह में आपका नेटवर्क भी सही नहीं, दिक्कत नहीं होगी, यहाँ ना यहाँ पर दिक्कत होगी, सुबह में सही रहेगा। क्लास अगर रखा जाए तो सुबह में ही रखा जाए। ठीक, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन दिया इसने। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके शासनकाल को देखा जाए तो किसके शासनकाल को कह सकते हैं कि मुगल कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखिए मुगल कला का स्वर्णिम युग की बात कर रहा है, और पूरे ओवरऑल में हम यहाँ से कहें कला का स्वर्णिम युग तो हम लोग ऐसे टीजीटी में क्या पढ़ते हैं, कला का जो स्वर्णिम युग था वो किसके पढ़ते हैं, अकबर को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 112 पे चलेंगे। ठीक है, तो किसके शासनकाल में मुगल कला का स्वर्णिम युग है, तो मुगल कला का मतलब कि चित्रकला को यहाँ से संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको सही करेंगे, जहांगीर को सही करेंगे। अब कला से संबोधित करेगा तो अगर ऑप्शन में न मिलता है यहाँ पे क्या बोलते हैं जहांगीर, तो यहाँ पे हम सही करते हैं कला से संबंधित अकबर को सही करते हैं, क्योंकि अकबर के काल में चहुमुखी विकास हुआ था, जैसे चित्रकारी पे का विकास हुआ था, स्थापत्य भी विकास हुआ था, कह सकते हैं कि वहाँ पे लेखन कला या साहित्य का भी विकास अकबर के शासनकाल में माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कि किस शास्त्र में हिंदू मंदिरों के में अपनाए गए स्थापत्य कला को परिभाषित किया गया है, किस शास्त्र में। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन ना पता रहे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑप्शन कट करिए, अर्थशास्त्र का मतलब नहीं होगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चाएं नहीं करेंगे यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है कि हिंदू मंदिरों को, तो मंदिर में किसका होता है, मंदिर को कह सकते हैं हम स्थापत्य भी कह सकते हैं, भवन को स्थापत्य, और जिसमें अगर किसी मूर्ति को स्थापित कर दे तो इसको हम वास्तुकला कहते हैं, चाहे वास्तु स्थापत्य कहते हैं। ठीक है, वास्तु स्थापत्य कहते हैं, मतलब वास्तु स्थापत्य को कौन बनाएगा, तो शिल्पी बनाएगा। शिल्पी क्या होता है, शिल्पी जो मूर्ति गढ़ता है, चाहे किसी शिल्प को, चाहे पत्थर को, चाहे किसी को तराश के बनाता है, उसे हम शिल्पी कहते हैं। तो अब दिया इसके ऑप्शन के अनुसार इसको हल कर लेंगे कि किस शास्त्र में हिंदू मंदिरों में अपनाए गए स्थापत्य कला को परिभाषित किया गया है। अर्थशास्त्र तो बिल्कुल नहीं होगा, सौंदर्य शास्त्र में रस की क्या होती है, प्रस्तुति होती है, सौंदर्य शास्त्र में रस होता है, रस से संबंधित है, और इनमें से कोई नहीं दिया तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और बचा शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र में होता है कि कोई भी ऐसा कलाकार हो जो शिल्प या पत्थर को एक आकार दे, अच्छा है पत्थर के माध्यम से किसी भवन या किसी मूर्ति की मूर्ति स्थापित करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शिल्प शास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन इसको ऑप्शन कट करके भी हल कर सकते हैं, अगर ऐसे पता है तो ऐसे आप शिल्प शास्त्र लगा दीजिए। अब आते हैं, एक बार क्लास में आल ग्रुप में बता दीजिए, आल ग्रुप में बता दीजिए, ऐसे अच्छा है तो हम क्या बोलते हैं अपने एप्लीकेशन में क्लास ले लेते, कोई मतलब है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि नौरास, देखिए नौरासनामा जो है, नामक जो शीर्षक पुस्तक है, ध्यान रख रहेंगे, ये किसने लिखी थी, तो लिखने वाले कलाकार जो देखा जाए तो अली आदिल शाह है प्रथम, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, ये भी है इब्राहिम द्वितीय शाह है, तो इब्राहिम द्वितीय शाह पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। इसको रटने वाला क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला नहीं है, जो भी पुस्तकें हों तो पुस्तकें में कोशिश करिए अधिकांशतः हम उसको रट लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर पुस्तक रट लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, जितने भी पुस्तक को पूछा गया ओल्ड पेपर में, तो कोशिश करिए कि ओल्ड पेपर में जितने पूछा गया है वो टीजीटी के लिए रामबाण है। ठीक है, टीजीटी या पीजीटी का दे रहे हैं तो रामबाण है। कुछ नई पुस्तकें केवीएस में पूछता है तो नई पुस्तकों की सीरीज आपको दी गई है, तो उसमें से सभी पुस्तकों को करा लीजिए, याद कर लीजिए। लगभग पुस्तकों पर आधारित मैंने 200 क्विज करा दिया, 200 क्विज कराया हूँ टोटली, 3 पार्ट में क्विज है पुस्तकों पर संबंधित। ठीक है, किसने, ठीक हाँ, जौहरी ने लिखी थी इब्राहिम के टाइम में, चलिए ठीक है, किसके किसने लिखी थी, इब्राहिम द्वितीय दिया है उसमें, ध्यान रख रहे हैं। क्वेश्चन को अपने आप देखिए, किसी क्वेश्चन को अपने मन से ऑप्शन मत रखिएगा, अगर जो अपने मन से ऑप्शन रख के कोई क्वेश्चन को पूछ लिया तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उलझाएगा आपको, होता नहीं है कोई क्वेश्चन आपको बता दे कि अब एक ही क्वेश्चन के बारे में जिक्र करें, इतने लोग जुड़े हैं कि रस का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किसके अनुसार पूछा गया है। आप लोग बता सकते हैं कि रस का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आपके आपसे अभी जिक्र किया जाए तो यही पूछता है कि रस का प्रमुख स्रोत है क्या, क्या बताएंगे उसमें, क्या उसमें बताते हैं रस। देखिए अगर देखा है तो टोटली हमारे रस न है, रस न है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही मानी जाती है। ठीक है, तो रस का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो क्या माना जाता है यहाँ पे, देखिए नाट्य भी है भरत मुनि के अनुसार, अगर पूछेंगे तो नाट्य मानेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रस का जो प्रमुख स्रोत है वो आनंद होता है, इसको ध्यान रखेंगे। बहुत से इसमें देखा जाए तो बहुत से बालक कहेंगे सर नाट्य भी है, तो नाट्य वो भरत मुनि ने उसे कहा था कि भरत मुनि क्या है, रस के प्रमुख स्रोत भरत मुनि ने नाट्य माना है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि उदांतपुरी विक्रम, देखा जाए तो विक्रमशिला और सोमपुर सोमरूप, ठीक है, ये शिक्षा किस कला के प्रमुख केंद्र थे,
तो ये बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि ये पाल शैली के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाए तो पाल शैली जो नवीन रूप लेती है, एक नया रूप लेती है बंगाल से। एक कहानी छोटी सी सुनेंगे, बंगाल में जब उथल पुथल थी, सभी उथल पुथल मच जाने के कारण वहाँ के लोगों ने गोपाल को देखा जाए तो अपना एक राजा चुना। और जब गोपाल को राजा चुना तो गोपाल ने देखा है तो सबसे पहले पाल वंश की स्थापना की। और पाल वंश की स्थापना कहाँ किया था आपको पूछता है, तो बंगाल में किया था। तो बंगाल के भी दो भाग हैं, एक पश्चिम बंगाल एक पूर्वी बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में किया था। इसलिए पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। वो केंद्रों में आता है पश्चिम बंगाल पहले पे, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे नेपाल, कुछ अंश नेपाल में भी जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि पाल शैली का प्रमुख स्थल कौन सा है, अगर आपको जातिवाद क्वेश्चन दिया, जातिवाद का मतलब होता है क्रम से दे दे आपको पश्चिम बंगाल, बिहार दे दे, नेपाल दे दे और उड़ीसा दे दे, तो उस समय आपको सही करना है बंगाल को, पश्चिम बंगाल को सही करना है। अगर आपको आपको ऑप्शन चेंज कर दे, मान लीजिए कभी मैंने यही बता दिया कि बंगाल में हुआ था, आइए ऑप्शन न हो के, ठीक है, ये ऑप्शन न हो के कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, मान लीजिए कि दिया कि बंगाल दिया है, बिहार दिया, नेपाल दिया है, और उनमें से इनमें से सभी कह दे, तो हमारा जो हमने बताया कि बंगाल में प्रमुख इसकी विशेषता है, तो बंगाल ऑप्शन में हट जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी आ गया है तो तीनों स्थान पे था, तो मुख्य तौर पे कहाँ पर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, पाल शैली की सबसे बड़ी प्रमुखता क्या है, ध्यान रखेंगे, पाल शैली में बौद्ध धर्म से चित्रकारी की गई है। सबसे पहले लघु चित्र बने थे, और भारत में सबसे पहले लघु चित्र कहिए, अच्छा है, भारत में सबसे पहले पोथी चित्रों की शुरुआत कहिए, वो पाल शैली से मानी जाती है। और भारत का अगर विभाजन करते हैं पाल शैली का, अगर हम मैप बनाते हैं, ये मेरा मैप है, और इससे कहे कि भारत में देखा जाए, मैप थोड़ा टेढ़ा बन गया है, एक मिनट रुके सही कर देते हैं, मैप टेढ़ा बन गया है, ठीक है, थोड़ा जल्दी बना देते हैं क्योंकि आपको पढ़ना भी है ना। इसमें आपको ओवरऑल भारत से पूछे, इस भारत से अगर पूछे कि भारत से जो पाल शैली है भारत की किस दिशा में है, तो ध्यान रख लेंगे, तो ये पूर्वी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे पूर्वी हो जाएगा पाल शैली, यहाँ से पश्चिमी हो जाएगा, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसको मैं बांटना भी बता दिया हूँ आपको, कल बताया था मैं आपको उस क्लास में बांटना, कैसे बांटना है भारत के जो अच्छांसी क्या बोलते हैं विकास, इसको कैसे बांटना है। तो भारत में देखा, तो भारत से पूछे कि भारत में पाल शैली किस दिशा में विकसित हुई थी, तो आपको दिशा पूछ देगा तो पूर्वी हो जाएगा, और कहाँ पे विकसित हुई थी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन चेंज हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, कि क्या पूछा है कि भारत की किस दिशा में है, तो पूर्वी में है, और भारत में कहाँ पे इसकी विकसित हुई थी, तो पश्चिम बंगाल में विकसित हुई थी, पश्चिम बंगाल भी और बिहार भी और नेपाल भी, ठीक। अब मुख्य तौर से क्या है, मुख्य तौर से अगर जाति सूचक कह दे सबको पार्टिकुलर अलग अलग पूछे, तो उस समय आपको पश्चिम बंगाल लगाना है, ना कि पूर्वी बंगाल, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ये कहाँ गया, दिया है कि निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम अगर देखा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूछा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चित्रकला की पश्चिम भारतीय शैली का बोलबाला था। अब देखिए, तंजौर, हैदराबाद और गोलकुंडा, ये भी है ऑप्शन में दिया है, गुजरात, राजस्थान और मालवा, ये भी है, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और गुलेर, ये भी है, कह सकते हैं कि बंगाल, उड़ीसा और असम, ये भी है, इसको ध्यान रख रहे हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, दिया कि क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चित्रकला पश्चिमी भारतीय शैली का बोलबाला था, तो इसमें क्या सही करेंगे, बी में, पश्चिमी में देखा है तो गुजरात में और राजस्थान में और मालवा में था, यहाँ पे बोलबाला क्या है, पश्चिमी चित्रकारी शैली की, ये बोलबाला वहाँ पे माना जाता है। और ये किस शैली से संबंधित है, तो सभी जैन धर्म से संबंधित है, अच्छा जैन धर्म से संबंधित चित्रणकारी किए हुए हैं। अब आते हैं थोड़ा मैप पे, ठीक है, थोड़ा बहुत एक चर्चाएँ कर लेते हैं अपने टॉपिक पे, एक मिनट यहाँ पे आएंगे। जैसे आपका बोर्ड है, मैंने तीन बताया था आपको आंसर यहाँ पे। अब देखिए, जैसे एक हम भारत का नक्शा बनाते हैं, एक भारत का नक्शा बन जाएगा, इसमें देखिए बांट देते हैं आपको, इस पर समझ में आ जाएगा, ठीक, ये भारत का नक्शा हो गया, जैसा भी हो बस समझने के लिए, आप लोग बस समझ लेंगे इस पर। अब देखा, ये पूर्वी भाग है, सभी शैलियों को हम समझा देंगे, पूर्वी भाग है ये, कहाँ से गलत हो जा रहा है, उत्तरी भाग है ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये दक्षिणी भाग है, ये भाग है हमारा भारत का, ये बीच में भारत हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है, उत्तरी में, पूर्वी में और पश्चिमी है, और दक्षिणी क्या है, इसमें अलग अलग कलाएं विकसित हुई थी। तो सबसे पहले ध्यान रख रहेंगे, जो पूर्वी में कला विकसित हुई थी उसमें कौन से, बंगाल को भी कह सकते हैं कि बंगाल शैली थी, पाल शैली थी, अभी आप सबने देखा था पाल शैली थी, ये दोनों विकसित हुई थी कहाँ पे, बंगाल में, या तो उड़ीसा भी शैली बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये कहाँ पे हुई थी, पूर्वी में विकसित हुई थी। अब धर्म क्या है, तो बंगाल शैली का धर्म है नहीं,
क्योंकि कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जब शुरुआत की थी तो बंगाल में वास्तु पद्धति को लाए थे। उसके बाद से पाल शैली का हो गया, पाल शैली में बौद्ध धर्म हो गया, तो बौद्ध धर्म का बोलबाला देखा है तो पूर्वी हिस्से में था। इसी तरह पश्चिम में मैं आपको बताया हूँ गुजरात है, गुजरात के जस्ट बगल यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में मालवा भी है, राजस्थान यहाँ पर मालवा लिख लेंगे। ये जो देखा जाए तो यहाँ से अगर दिशा मैपिंग करते हैं, दिशा मैप करते हैं यहाँ से, इस चार दिशाओं को कट करेंगे, यहाँ से कट करने का ये मतलब कि 45-45 अंश पे काटेंगे तभी आपकी दिशाएं अच्छे से निर्धारित होगी। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ से क्या है, तो पश्चिम है, यहाँ से पूर्व है, यहाँ से उत्तर है या दक्षिण है। तो पश्चिम में जो कलाएँ पनपी थी वो जैन धर्म से संबंधित थी, और जैन धर्म में देखा है तो राजस्थान का भी नाम आता है, गुजरात का भी आता है और मालवा का भी आता है। पूर्वी में देखा जाए तो अधिकांशतः पाल शैली की शुरुआत ही मानी जाती है। आपको पता है कि 8वीं शताब्दी से देखा जाए तो 730 ईस्वी से पाल वंश के जब वहाँ से चित्रकला की स्टार्टिंग होती है तो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तरी में देखा है तो कलाएं पनपी हुई थी, यहाँ पे कुछ कलाएं हुई थी जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऊपरी पे नहीं मानेंगे। यहाँ पे आते दक्षिण पॉइंट में कलाएं पनपी थी, जिनका क्या नाम है, तो दक्षिणी में देखा है तो अहमदपुर, गोलकुंडा और बीजापुर है। तो आपको अहमदपुर, गोलकुंडा और बीजापुर जब नाम दे तो दक्षिणी कला शैली का केंद्र वो माना जाता है, और बाकी ये पूर्वी शैली का और ये पश्चिमी शैली का। और ऑप्शन में एक और दिया था आपको को तंजौर हल्ला, हाँ एक कांगड़ा कुल्लू देखिए ध्यान रखेंगे, इसको भूल गए थे, ध्यान रखेंगे। अब देख कांगड़ा कुल्लू और मंडी, तो कांगड़ा देखिए हिमाचल प्रदेश यहीं पे है, उत्तरी भाग में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, यहीं पे क्या है कांगड़ा है, कांगड़ा कुल्लू भी है और मंडी भी है, ध्यान रखेंगे। ये तीनों शैलियाँ हैं, ये उत्तरी हिस्से में है और ये तीनों क्या है पहाड़ी की उपशैली है, पहाड़ी शैली की उपशैली है। और कांगड़ा जो शैली सबसे ध्यान रखेंगे, कांगड़ा जो शैली है तो कांगड़ा पहाड़ी शैली की सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली और सबसे प्रमुख शैली ये मानी जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था और बाकी यहाँ पे ये क्लियर आउट हो गया। अब भाई कुछ दिक्कत हो बताइए, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है क्या, ज़्यादा डीप जा रहे हो तो बता देंगे आप लोग, थोड़ा डीप चर्चाएं हो रही हूँ तो बता देंगे आप लोग कि डीप भी जा रहे हैं। ठीक है, डीप हो रहा है तो बता देंगे आप लोग, डीप अगर जा रहे हो तो बता देंगे, क्योंकि ये हो गया इसे समझाते समझाते या क्लास में बताते बताते थोड़ा डीप चले जाते है, डीप तो बता दीजिए। अगर डीप होगा तो आप लोग बता देंगे तुरंत, फिर बाद में नहीं करेंगे कि इतना डीप पढ़ा दिए। ठीक है, नहीं अगर डीप होगा तो बता देंगे आप लोग, डीप हो रहा है एक बार क्या बोलते हैं कोई जुड़ा होता थोड़ा उसमें आल ग्रुप पे एक बार और पेस्ट कर दे मैसेज इसको। ठीक है, यह सेंड कर दीजिए। अब दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की देखा जाए तो शुरुआत गुफा स्थापत्य कला से, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। ये पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआती अगर देखा है तो गुफा स्थापत्य यहाँ पर रख देंगे, चाहे स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखा जाए तो इसी में मेंशन कर दे कि स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, या इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अदर नाम में रखेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल रख देंगे, क्योंकि जो कलाएँ लिखी गई हैं, कुछ लिखा गया उसको अगर पढ़ा नहीं गया तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। और पूछ रहे हैं यहाँ से, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अब पूछ रहा है कि बराबर पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, लोमस जो ऋषि गुफा है कहाँ पर स्थित है, तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं आपको पता है कि बिहार में है और यहीं पर लोमस ऋषि की गुफा स्थित है। अब यहाँ पर दिया आपको बस घुमाने के लिए कि आप बस घूम जाइए, कोई मतलब नहीं है इसका, बस उसका यहाँ से पॉइंट रखिएगा कि क्या बोलते हैं स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। देखिए अब धुंधला हो जा रहा है, हम बता रहे हैं यहाँ कि कोई यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत ये नहीं है कि जैसे आप बता रहे हैं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सी हो जाएगा बिहार, हमने देखिए हमारा तो कनेक्ट है, लाइव स्ट्रीम ले रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कोई को, अरे हमारे हमारे फ़ोन में दिखाई दे रहा है, हमारे फ़ोन में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, करें कि दिखाई दिखाई नहीं दे रहा बताइए, और जूम करें, करें कि और जूम कर दीजिए, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है,
क्वालिटी बढ़ाइए ना अपनी आप लोग। देखिए क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, कम से कम उसकी क्वालिटी 340 कर दीजिए, दिखाई दे देगा। ठीक है, अब क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो दिखाई देगा। देखिए हमारे फ़ोन में भी तो वहीं दिखा रहा है, लाइव स्ट्रीम अगर जो हो रही है उसमें भी वहीं सही दिखा रहा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है कि हमने कुछ कम कर दिया है। ठीक है, उसमें एक बार देख लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन से। ठीक है, हो जाएगा। अब देखते हैं, फिर दिया इस क्वेश्चन को उलझाने के लिए, फिर दे दिया क्वेश्चन। अब देखिए उलझाएगा तो उलझना नहीं, आप लोगों को बस समझना है। दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की चिनाई और पत्थर की नकाशी हुई थी, बिल्कुल है, और अशोक के शासनकाल में ये पत्थर लाए गए थे। कहने का ये मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता, यहाँ पर पत्थर की चिनाई हुई थी, पत्थर को एक उकेरा गया था, पत्थर को एक रूप दिया गया था। जब ऐसा कार्य सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है तो अशोक ने भी ऐसा कार्य किया था अपने शासनकाल में। और ये पत्थर कहाँ से बनाए गए थे, तो ये पत्थर देखा जाए तो अगर कह सकते हैं फारस से, उस समय देखा जाए तो फारस से मंगाए थे, मंगोल नहीं देता है, फारस से मंगाए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि वहीं की कलाओं पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, ईरान का। ठीक है, ईरान का ही प्रभाव दिखाई देता है उसके कलाओं पर, अशोक कालीन जो स्थित किए गए हैं, जो स्तूप हैं, उन सभी पे फारस का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की जो चिनाई हुई थी और पत्थर पर नकाशी की हुई थी, और सेम ऐसे अशोक के शासनकाल में कहाँ से मंगाए जाते थे, तो फारस से मंगाए जाते थे। अब आते हैं और क्वेश्चन, अच्छा दिया है, दिया कि अजंता चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीवी उदाहरण महाजनक जातक, ध्यान रखेंगे, कि दृश्य अजंता के किस गुफा से मिलता है, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2, बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्लियर तो दिख रहा है, बाकी आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, महाजनक जातक, बिल्कुल एक नंबर दिखाई दे रहा, अच्छी बात है। क्या होगा इसका, महाजनक जातक क्या होगा, बताइए सबका रिप्लाई, 120 का सी कोई बता रहा है, 120 का कोई सी बता रहा है, चलिए क्लियर दिख रहा है, अच्छी बात है, 120 का कोई सी बता रहा है, क्या सही होगा, इतना सस्पेंस क्यों है इसमें, नहीं दिखेगा, कुछ लोगों को आपत्ति होगी तो कहाँ से दिखेगा, क्वालिटी बड़ा ये दिखेगा खुद, कोई ये कह रहा है कोई सी कह रहा है, बताइए छोटा सा क्वेश्चन में हम उसे ही देख रहे हैं किसका आंसर सही आता है, किसी का तो आंसर सही है, हो जाएगा सही, आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी बढ़ा दीजिए सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, बताइए इसका आंसर क्या होगा, महाजनक जातक अजंता के किस गुफा में चित्रित किया गया है, महाजनक जातक अजंता के किस गुफा में चित्रण किया गया, इसका चित्र किस गुफा में मिलता है, बताइए सभी लोग आंसर करेंगे, कोई एक बता रहे गुफा संख्या 1, सभी शांत हो गए, रिपीट मैं ये किया हूँ कि क्वेश्चन क्या है, अजंता चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीवी उदाहरण जो मिलता है महाजनक जातक के दृश्य अजंता के किस गुफा में है, दस में है, सोलह में है, सी कोई कह रहा है, सी है कोई एक कह रहा है कोई दो कह रहा है, देखिए सी यहाँ पे सही किया है, इसको सी को सही करेंगे, ठीक है, सी को सही किया, सी को सही करेंगे। अब आते हैं अगला, इतना नहीं पता आप लोगों को, चलिए क्लास में अभी इसकी चर्चाएँ होती है अभी तुरंत, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि 11वीं सदी में देखा जाए तो 11वीं सदी की एडी में, मतलब ईसवी में कह रहा है, एडी का मतलब होता है ईसवी, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, आरंभिक काल में जो संबंधित है, ठीक है, संबंधित अगर देखा है तो किसके राजराजेश्वर मंदिर की नृत्य करती प्रतिमाएं मध्यकालीन चित्रकला का खूबसूरत उदाहरण है, तो
तो ये किसका है? तो ये तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की नृत्य करती हुई प्रतिमाएं मध्यकालीन चित्रकला का खूबसूरत एक उदाहरण मिलता है। ठीक है, आते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, नीमतनामा चाहे पाक कला पुस्तक की पांडुलिपि से चित्रकला में एक नए चलन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन दिया कि मालवा, पहले ऑप्शन दिया, दूसरा दिया बूंदी, तीसरा दिया कोटा, तीसरा चौथा दिया मारवाड़। ध्यान रख रहे हैं, चारों दिया है, किसका सही करेंगे? 121 का सी, वो तो सही है बिल्कुल, 121 का बिल्कुल सही है। किसका सही हो जाएगा ये बताइए। मैं पूछा हूँ कि निम्नलिखित में से किस स्थान में नीमतनामा चाहे पाकशाला पुस्तक है, ठीक है, क्योंकि पाककला पुस्तक है कि पांडुलिपि से चित्रकला में एक नया चलन हुआ था, आरंभ हुआ था, तो मालवा से हुआ था, बूंदी से हुआ था, कोटा से हुआ था, मारवाड़ से हुआ था। हाँ, मालवा से माना जाता है, ध्यान रखेंगे, मालवा से माना जाता है। कोटा बूंदी तो राजस्थान है, मारवाड़ सभी राजस्थान की मानी जाती है, शैली उपशैलियाँ मानी जाती है। ठीक है, कोटा बूंदी एक में है और बाकी मारवाड़ अलग है। आते हैं अगले पेज पे, एक सौ 125 नंबर क्वेश्चन है ना, किस पे चलेंगे, 124 पे, 123 पे। आगे क्वेश्चन, महिलाएं पतंग उड़ाने लगी। अब देखिए दिया क्या है, दिया है कि पतंग उड़ाती, ठीक है, दो लड़कियों की लघु पेंटिंग 18वीं सदी के उत्तरार्ध की लोक कला में है, और देखा जाए तो इस पर मोटी चित्रकारी तथा मंद रंगों का प्रयोग किया गया है। यह पेंटिंग किस कला से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया बसोहली से संबंधित है, गुलेर से संबंधित है, और किशनगढ़ से संबंधित है, और कुल्लू से संबंधित है। पहली बात है किशनगढ़ को काट देंगे हम लोग, क्योंकि ये पतंग उड़ाते हुए देखा है तो उत्तरार्ध में पूछ रहा है, तो हम नहीं जाएंगे किशनगढ़ में। क्या सही करेंगे यहाँ पे? कुल्लू, कितने लोग कुल्लू बता रहे हैं? कुल्लू कितने लोग बता रहे हैं? अरे ज्वाइन करिए सभी लोग, थोड़ा शेयर करिए, ज्वाइन करिए सभी। क्वेश्चन एक, इतने लोग तो हमारे क्लास में कभी, यहाँ भी क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुल्लू हो जाएगा। कल ही मैं पढ़ाया था आप लोगों को ये, कल ही इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। देखिए कल ही आपको क्लास में, शाम की क्लास हुई थी, तो शाम की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुल्लू सही होगा। ठीक, अब आते हैं कि 18वीं सदी के देखा है तो दूसरी चौथाई के दौरान राजा सामंत सिंह के संरक्षक में राजधानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? जब सामंत सिंह आए, दो ही नाम है, एक पहाड़ी में नाम है, एक है किसमें, एक पहाड़ी में नाम आता है और एक नाम आता है राजस्थानी में। पहाड़ी में नाम आता है कांगड़ा का, और कांगड़ा में जो राजा होते हैं, जिनका नाम है कांगड़ा के राजा होते हैं संसार चंद्र। अब अगर देखा जाए तो कांगड़ा के बाद आते हैं किशनगढ़ में जो राजा होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, किशनगढ़ के राजा होते हैं कौन, सामंत सिंह। ये दोनों नाम मिलता जुलता है, दोनों नाम क्या है, मिलता जुलता, ध्यान रख रहे। अब दिया है कि किसके संरक्षक में देखा है तो 18वीं सदी की दूसरी चौथाई के दौरान राजा सामंत सिंह के संरक्षक में राजस्थानी चित्रकला शैली कौन सी विकसित हुई थी, कौन सी शैली? किशनगढ़ दिया है, मेवाड़ दिया है, अंबर दिया है, और बीकानेर दिया है। तो क्या यहाँ पर सही करेंगे? किशनगढ़ की एक विशेषता बता दीजिए हमको, किशनगढ़ की। हाँ, कांगड़ा के संसार चंद्र और किशनगढ़ के सामंत सिंह, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, 124 का ये, हाँ ठीक है। सदी में देखा दूसरी चौथाई के दौरान जो देखा सावंत सिंह जो थे, इन्होंने किशनगढ़ शैली को विकसित रूप दिया था। और किशनगढ़ शैली में देखा जाए ये कलाएं हैं जिसका नाम है भारत का मोनालिसा, नहीं, किशनगढ़ शैली भारत का मोनालिसा, ठीक है, अच्छी बात है कहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रण किया गया था, और बनी ठनी का चित्रण करने वाले जो कलाकार थे किशनगढ़ शैली में, वो किनको माना जाता है? तो निहाल चंद को माना जाता है। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्रण किया था, और निहाल चंद ने इस बनी ठनी को चित्रण किया तो भारत सरकार ने क्या किया कि 1973 में इस पे डाक टिकट जारी कर दिया। क्या किया? डाक टिकट जारी कर दिया 1973 में, और किस पे जारी किया? तो 20 पैसे पे डाक टिकट जारी किया था, ध्यान रखेंगे, 20 पैसे पर डाक टिकट जारी किया था इस पे भारत सरकार ने। और इसी किशनगढ़ शैली में जो बना चित्र है बनी ठनी, तो उसके नाक के जो आभूषण है बनी ठनी का, ठीक है, बनी ठनी जो चित्र है जो राधा का एक रूप माना जाता है, उसमें जो नाक का आभूषण है उसको हम बेसरी नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था, तो इसको ध्यान रखें, बेसरी नाम से उस आभूषण को जानते हैं।
हो गया इतना। हाँ 20 पैसा है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा बताइए कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है, उसमें हाथ में जो चुड़िया पहनी, उसको और किस नाम से जानते हैं? उसको तो काल उपनाम बताए थे, क्या बोलते हैं उसे, बताएंगे क्या बोलते हैं उसे, जो अभी कल ही चर्चा हुई थी उस पर, कल ही चर्चा हुई थी उस पर कि जो बगड़ी, हाँ ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, बगड़ी कहते हैं उसे, दोनों नाम मिलता जुलता, बेसरी और बगड़ी दोनों ध्यान रख रहेंगे, बगड़ी है वो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, टोटली हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। 1565 से 69 AD के मध्य देखा है तो ईस्वी के मध्य की अवधि में, अवधि से संबंधित तारीख़ हुसैन शाही के नाम से ज्ञात पांडुलिपि कला और चित्रकला की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है अहमदनगर, ठीक है, चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व ये करती है, ठीक है, इसको ध्यान रख रहेंगे, लाइनर में इसको याद रख रहेंगे। और देखते हैं प्रसिद्ध कलाकारों जो देखा है तो विचित्र, ठीक है, चैता रमन, अनूप चट्टार है, मोहम्मद नादिर है, और इनायत और माटक का है संबंध जो देखा जाए तो मुगल शासक के किस शासक के संबंध में रखा गया है, क्या चाहे किस शासन के संबंध में इन्होंने कार्य किया था, ये सभी चित्रकार हैं। ठीक है, क्या है ये सभी चित्रकार हैं, ये सभी चित्रकार किसके काल के हैं? तो सभी चित्रकार देखा जाए तो हमारे काल के हैं, शाहजहाँ के काल के माने जाते हैं। विचित्र का नाम आएगा तो शाहजहाँ को लगाएंगे आप लोग, बेहिचक लगाएंगे, ठीक, किस क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा इसमें से, इसको ध्यान रख रहेंगे। आगे दिया है कि यहां पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि AR दानिश और अनवर सुहेली नामक किस्सों की कहानी चाहे किताबें किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं, किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं, ये अकबर की है या जहांगीर की है या शाहजहाँ की है या इनमें से कोई नहीं, ये पांडुलिपियाँ किसके काल की सबसे अच्छी मानी जाती है? अब ध्यान रख रहेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि AR दानिश और अनवर सुहेली, सुनावली लिखा है, सुहेली वही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नामक किस्सों की किताबें किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण मानी गई है, अकबर, जहांगीर, किसका हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे, अकबर, ठीक है, इसको भी सही कर लेंगे। और गणेश रथ और द्रौपदी रथ जो है, ध्यान रख लेंगे, जो गणेश रथ और द्रौपदी रथ है ये कहाँ पे स्थित है, जो एकास्मक चाहे अखंडित मंदिर माना जाता है, अखंडित मंदिर भी किसे कहते हैं चाहे एकास्मक किसे कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि सांची में बिल्कुल नहीं करेंगे, पुरी में नहीं करेंगे, महाबलीपुरम में इसको देश सोच सकते हैं और खजुराहो में सोच सकते हैं, क्या सही होगा इसमें, एकास्मक रूप महाबलीपुरम सही करेंगे। देखिए क्या है एकास्मक रूप, क्या होता है, देखिए एकास्मक मतलब होता है कि एक पत्थर जो बन गया इसी को हम क्या करते हैं उकेर के, चाहे इसी का हम उकेरते हैं उसको एकास्मक कहते हैं, इसका एक रूप देते हैं, और इसी को अखंडित भी हम कह सकते हैं, अखंडित का मतलब होता है कि जिसका हम खंड न कर सके, तो आपको वहाँ पे एकास्मक के जगह पे क्या कर देगा, वहाँ पे एकास्मक के जगह पे अखंडित भी लिख देगा, तो वहाँ क्या मतलब, अखंडित का मतलब होता है कि एक पत्थर का हम खंडन न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं अखंडित कहते हैं। अब दिया फिर इसमें भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना और उत्कृष्ट मनोहरी कृति राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो राजा रानी का मंदिर स्थित है तंजौर दिया है, बिल्कुल नहीं सही होगा, नालंदा ये तो बिहार में नहीं सही होगा, उदयपुर राजस्थान में नहीं सही होगा, और राजा रानी का जो मंदिर है ये भुवनेश्वर है, ध्यान रख रहे हैं, सास बहू का मंदिर, एक सास बहू का मंदिर है, थोड़ा मिलता जुलता है लग रहा है कि ये दोनों, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, तो राजा रानी का जो मंदिर है ये भुवनेश्वर में स्थित है, और बताएंगे कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, अगला क्वेश्चन ये है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है,
ठीक है, ग्वालियर ध्यान रख रहे हैं, ग्वालियर एमपी, अगर ग्वालियर दिया तो ग्वालियर लगाइए, या प्रदेश पूछ रहा है तो एमपी लगाइए, ध्यान रख रहेंगे। अगर आपको दो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे ग्वालियर बता देता हूँ तो हो सकता है कि एग्जामिनर उसको प्रदेश पे चेंज कर दे, तो ग्वालियर ऑप्शन में ना दे तो मध्य प्रदेश दे, उत्तर प्रदेश दे, उड़ीसा दे और बंगाल दे, तो वहाँ पर हम मध्य प्रदेश लगाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि हम ग्वालियर बता दें तो हमारे मुख्य वाणी से स्वर ही अक्षर निकल रहे हैं कि ग्वालियर ही हो जाएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर दे, वो लेवल पे स्टेट लेवल पे जानना चाहता हो कि किस स्टेट में है ये, तब वहाँ पे हम क्या सही करेंगे। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश याद रखें, जब ग्वालियर स्थान नहीं मिलता है तो वहाँ पे प्रदेश अगर लेवल से अगर पूछता है कि प्रदेश में किस प्रदेश में है, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि मध्यकालीन मूर्तिकार की कला का एक नमूना दिव्यृच्छिका का देखा जाए, ये एक दिव्य सुंदर देखा जाए, तो कहाँ पर स्थित है सुंदरी, कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, स्थापत्य जब पढ़ेंगे आपको तो उसमें ये अच्छे से आएगा। कोई अभी आनंद बता रहा है, क्या टाइपिंग ज़्यादा लेट हो गई क्या। अब आते हैं इसमें कि कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, दिया है कि रेत ढलाई, उसके बाद दिया है कि हरित रेत ढलाई, उसके बाद धातु ढलाई, या किया दिया कि लुप्त मोम ढलाई, ध्यान रखेंगे इसमें बताएंगे। दिया है कि कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, हम कांस की मूर्तियां किस माध्यम से, चाहे किस विधि का प्रयोग करके हम उसका निर्माण करते हैं, चाहे उसका एक ढांचा बनाते हैं, चाहे उस मूर्ति का, क्या दिया, सी दिया ऑप्शन में, लुप्त मोम ढलाई, अच्छा रेत ढलाई तो बिल्कुल नहीं होगा, धातु से संबंधित है, हरित रेत ढलाई तो बिल्कुल नहीं होगा, धातु ढलाई तो है लेकिन हम कांस्य की बात कर रहे हैं, मूर्तियां तो ढलाई होती है धातु में लेकिन कांस्य की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हो गया कि लुप्त मोम ढलाई क्या होता है, देखिए ध्यान रखेंगे लुप्त मोम ढलाई क्या होता है। सबसे पहले हम एक इस तरह मॉडलिंग लेते हैं और उसमें बनाते हैं और एक मूर्तियों की आकृति होती है, पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, चलिए पता नहीं क्या इसमें सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, लिखने पे तुरंत हट जा रहा है, ठीक है इसको देख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि क्या होती है लुप्त मोम प्रक्रिया, क्या होती है, एक ढांचा तैयार कर देते हैं, इस ढांचे में ध्यान रखेंगे कि ढांचे में तैयार की गई हुई एक आकृति होती है, जैसे हम किसी एक को चाहे गोला बनाते हैं तो इस गोले को पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाहे कुछ भी हो एक ऐसे पदार्थ से इसको हम ढक देते हैं, ढकने के बाद इसमें मोम की आकृति दे देते हैं, जब इसमें मोम की हम आकृति देते हैं तो इस मोम की आकृति को हम क्या करते हैं, मोम भरते हैं, मोम के माध्यम से इसको हम जब गर्म करते हैं तो दूसरे नली से हमारा मोम पूरा यहाँ से पिघल के निकल जाता है, ये मोम हमारा यहाँ से लुप्त हो जाता है, और इसी लुप्त मोम के स्थान पर हम क्या करते हैं कि धातु को चाहे कांसे को पिघला के कुप्पी के माध्यम से जब इसमें प्रवेश कराते हैं तो हमारी मूर्तियाँ बनके तैयार होती हैं, उसी को हम लुप्त मोम ढलाई प्रक्रियाएँ कहते हैं। आगे समझ में, इतना बताएंगे, इतना आगे समझ में, इतना आगे समझ में तो बताइए। चलिए ठीक, अब आते हैं अगला कि दिया है कि गंधार शैली की अधिकांशतः मूर्तियां किससे बनी है, दिया है कि गंधार शैली की अधिकांशतः मूर्तियां हैं वो किससे निर्मित की गई हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इसमें, दिया है कि गंधार शैली की अधिकांशतः मूर्तियाँ किससे बनी है, गंधार, देखिए जब गंधार आएगा तो आपने दो याद रखना है, गंधार का मतलब अंधकार याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, अंधकार में क्या होता है कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो काले स्लेटी पत्थर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा काले स्लेटी पत्थर, गंधार अंधकार काले स्लेटी पत्थर। अब ऑप्शन में देखिए काले स्लेटी पत्थर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टेराकोटा नहीं रखेंगे बालक, कांस्य नहीं रखेंगे बालक, लौह नहीं रखेंगे बालक, अब रखेंगे किसको, पत्थर, पत्थर शैली दिया तो सही है, क्योंकि इसमें देखा है तो कह सकते हैं गंधार में देखा जाए तो किसमें, तो काले स्लेटी बलुए पत्थर, चाहे काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया, तो पत्थर का तो प्रयोग किया गया है लेकिन किसका, तो काले का किया गया है,
अब यही मथुरा में कह दे कि मथुरा कला शैली में किसके पत्थर किस से निर्मित किया गया है, तो उस समय ध्यान रखेंगे लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है मथुरा शैली में। और बाकी इसमें किस में गंधार में चाहे अंधकार है तो इसमें काले स्लेटी पत्थर का निर्माण किया गया है। अगर काले स्लेटी पत्थर आप में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे पत्थर या शैल सही करना है। टेराकोटा तो नहीं होगा, पकाई गई मिट्टी का रूप होता है। कांस्य क्या है, तो कांस्य में देखा है तो ये कांस्य जो जिससे मूर्तियाँ ढलाई होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कांस्य को एक नया रूप दिए थे, ठीक है। उसके बाद से लौह होता है, लौह का खोज अगर देखा है तो वैदिक सभ्यता से चाहे ऐतिहासिक काल से माना जाता है, जिसमें वैदिक सभ्यता की शुरुआत अगर देखा है तो सबसे पहले लौह की अगर प्रयोग हुआ था वैदिक सभ्यता में, कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में, और टेराकोटा नहीं कहेंगे पषाण का प्रयोग कह सकते हैं हमारा कहाँ पर हुआ था, तो पषाण का प्रयोग हमारा हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। और टेराकोटा का कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आते हैं इसमें कि पद्म पाणि बोधिसत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब सही नहीं पूछेगा तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले, तभी क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। ध्यान रखें पहले अंडरलाइन करेंगे क्या है इसमें, एक मिनट थोड़ा जूम से हटाते हैं, कम दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब ध्यान रखने दिया है कि पद्म पाणि बोधिसत्व जो है, पद्म पाणि बोधिसत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सही नहीं है, तो जब सही नहीं पूछेगा तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब दिया है पहले पढ़ लीजिए, हाथ में कमल है बिल्कुल सही है, ये पेंटिंग एक भित्ति चित्र रूप में है बिल्कुल सही है। अब दिया कि इस पेंटिंग का आकार काफ़ी विशाल है, ये भी सही है। इसमें आकृति को लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया, ये ही गलत है, लेटी हुई मुद्रा में नहीं है। अगर वो लेटी हुई मुद्रा में होती तो लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का प्रयोग कहाँ से होता, केंद्रता का नियम देखा जाए तो पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र मिलता है, केंद्रता के नियम का प्रयोग हुआ है किसमें, पद्म पाणि बोधिसत्व में, जो गुफा संख्या एक से मिली है, अजंता की गुफा संख्या एक से यह चित्र मिला है जो एक भित्ति चित्र माना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, तो इसमें आकृति को लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है, ये कथन आपका गलत है, बाकी तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन सही है तो इसको भी याद रख लेंगे। अब पूछ सकता है कि अगले पेपर में जैसे इसी को दिया तो इसी को रख देगा, बाकी तीन ऑप्शन को गलत कर देगा। अब यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है पद्म पाणि बोधिसत्व का, तो तीन कथन यहाँ से अगर सही आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पेपर, अगला क्या है दिया इसमें, दिया है इसमें कि धौलावीरा, ये क्या दिया है, दिया कि धौलावीरा को कौन सी विशेषता एक विलक्षण हड़प्पा स्थल बनाती है, धौलावीरा को कौन सा बनाती है, इसका गोदी क्षेत्र है चाहे इसमें देखा है तो मृदभांड है, इसकी मोहरे हैं चाहे किलाबंद नगर दुर्ग है। तो धौलावीरा देखा जाए तो ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा स्थल भारत के यहीं है, नहीं राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा तो नहीं है, राखीगढ़ी हो गया, इसको 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है। अब ध्यान रखें धौलावीरा देखा है तो कौन सी विशेषता एक विलक्षण हड़प्पा स्थल बनाती है, तो किलाबंद नगर दुर्ग को बनाती है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो धौलावीरा है इसको हम सफ़ेद कुआं के नाम से जानते हैं। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन ये बनता है कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन ये बनता है धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, जैसे लोथल गुजरात में, तो धौलावीरा कहाँ पे है, लोथल गुजरात में, तो धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, बताइए धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, गुजरात, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, हरियाणा, ठीक है, वेरी गुड, हरियाणा में, ठीक। अब आते हैं अगला दिया क्वेश्चन यहाँ पे कि अशोक की वृषभ राजधानी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में क्या दिया है कि सांची में, बिल्कुल नहीं रखेंगे सांची, रामपुर दिया है या धौली दिया है या सारनाथ दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या सही होगा इसमें कि अशोक की वृषभ राजधानी कहाँ थी, बताइए अशोक की वृषभ राजधानी कहाँ थी, दिया है कि सांची, रामपुर, धौली और सारनाथ। वृषभ मतलब क्या कह रहा है,
वृषभ मिस क्या कह रहा है, कोई अभी हरियाणा गुजरात पे चल रहा है क्या? बहुत लेट लेट से टाइपिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब हमको टैक्स आ रहा है। हाँ बैल है, तो बैल की राजनीति रामपुरवा से, तो रामपुरवा लिख दिया इसको, बस डाइवर्ट कर लिया है। तो आपको ध्यान रखेंगे रामपुरवा में स्थित है, चाहे वृषभ की राजधानी कहे चाहे अशोक की, जो वृषभ चाहे बैल की आकृतियाँ बोले चाहे जो मिला है वो कहाँ से मिला है, तो रामपुरवा से मिला है, चाहे रामपुर से मिला है, ठीक है, रामपुर इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि दीदारगंज का चौरी धारक, दीदारगंज कहाँ पे स्थित है, दिया कि दीदारगंज का चौरी धारक से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, दिया कि मौर्य काल से संबंधित है, या कुषाण काल से संबंधित है, या फिर शुंग काल से संबंधित है, या गुप्त काल से संबंधित है, दीदारगंज या मौर्य काल से, कौन बी बता रहे हैं इसमें से, बी कहाँ से हो जाएगा, ये होगा ना इसमें, ये हो जाएगा पहले मौर्य काल से। दीदारगंज देखा जाए तो ये पटना संग्रहालय में स्थित है, ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, और कहाँ पर स्थित है ये, तो ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, और पटना संग्रहालय को हम राजकीय संग्रहालय के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, अगर राजकीय अगर संग्रहालय दे दे पटना तो वहाँ पर हम सही भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी समझने पेपर को, न्यू क्वेश्चन है। हाँ ये KBS के जितने भी ओल्ड पेपर हैं, मैं बता दूं कि कला से संबंधित लगभग 140 पेपर ऐसे हैं जिसको आप अगर हल करेंगे तो 90 और 100 के बीच में स्कोर करेंगे TGT में। टोटली अभी तक जितने स्टेट में पेपर हुए हैं लगभग 140 पेपर हुए हैं, ठीक है, और 140 पेपर पे हमारा वर्क चल रहा था लगभग 3-4-5 महीनों से, उसको मैंने कम्प्लीट कर लिया, इसलिए तो मैं लेके आया हूँ KBS का। बहुत से ऐसे पेपर हैं, हरियाणा का भी है, हिमाचल प्रदेश का है, चाहे राजस्थान का है, सभी पेपरों को अगर समय मिलता रहेगा तो मैं कराता रहूँगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, सभी पेपर को ऐसे हल करा देंगे यहीं पे इसी चैनल पे, तो आप लोग बने रहेंगे। और जितना भी है, क्या यहाँ पे दिया है, मौर्य काल ध्यान रखेंगे, हाँ मौर्य काल सही करेंगे, चौरी धारक, ठीक है। ये KBS में कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं और उसी को रिपीट भी करता है, अधिकांश अदर स्टेट के क्वेश्चन को UP TGT और PGT रिपीट किया है और करता रहेगा। इसका प्रमाणिक रूप हम दिखाएंगे जब हिमाचल प्रदेश का चाहे उसका क्या बोलते हैं हरियाणा का जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं इसमें एलिफेंटा गुफा का निर्माण, ये भी पूछ दिया कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब बनाया गया कराया गया था, तो 18वीं सदी के मध्य में कह सकते हैं, या 10वीं सदी के मध्य में, या कह सकते हैं 9वीं सदी के मध्य में, या कह सकते हैं कि 11वीं सदी के मध्य में, किसका एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब कराया गया था, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब कराया था। देखिए क्लास वाले बच्चे, आपको हर टॉपिक का रखा गया है, आपको समय भी याद कराया गया है, चित्र की शैलियाँ विशेषताएँ भी बताई गई हैं, चित्र भी बताए गए हैं, तो इसमें आपका पकड़ होना चाहिए बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो 8वीं सदी के मध्य में इसको माना जाता है, ठीक है, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण। एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि एलिफेंटा गुफाओं में तीन चेहरे वाली शिव की मूर्ति देवताओं को किस त्रिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, तो इस मूर्ति को हम त्रिमूर्ति को क्या कहते हैं, महेश मूर्ति, या फिर कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति माना जाता है, KBS 2013 माना है, KBS 2013 इसको माना है, इसको ध्यान रखेंगे कि त्रिमूर्ति के तौर पर उसमें किसकी मूर्तियाँ हैं, तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश की मूर्तियाँ हैं। और अगला ऑप्शन में क्या दिया दूसरा, तो काली दुर्गा तो होगा नहीं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र दिया है, थोड़ा भ्रम करने के लिए दिया है, लेकिन इस पर हम चर्चाएँ नहीं करेंगे। और गणेश राम और कृष्ण दिया है, इस पर भी चर्चाएँ नहीं करेंगे, हम ब्रह्मा और विष्णु और महेश को सही करेंगे, जो त्रिमूर्ति हैं कहाँ की, एलिफेंटा की, ठीक है। अब आते हैं अगला, अब देखिए चोलकालीन ध्यान रखेंगे, चोलकालीन से भी क्वेश्चन पूछता है कि चोल राजवंश की मूर्ति कांस्य के नटराज, ठीक है, कहाँ रखी है बताइए, चोल राजवंश की जो मूर्ति है कांस्य में, जो नटराज की मूर्ति मिली है कहाँ पर रखी गई, कहाँ सुरक्षित है, ऑप्शन सुन लीजिए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ठीक है, मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली, और दिया कि गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मद्रास चेन्नई, कहाँ पर रखी गई है बताएंगे इसका आंसर। सी हो जाएगा कि गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास चेन्नई में, ठीक है। और ये जो चोल राजवंश की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति बनी है, ये 12वीं सदी में बनी थी, ठीक है, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, चाहे इस मूर्ति बनी थी, ये भी कल आपसे पूछा गया किसी पेपर में, तो आपको 12वीं सदी याद रखना है, ठीक है।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला दिया है कि 17वीं सदी के चोल काल की उमा के रूप में देवी की कांस्य मूर्ति किस मुद्रा में खड़ी है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, 17वीं सदी के चोल काल की उमा के रूप में देवी की कांस्य मूर्ति किस मुद्रा में खड़ी है। अब देवी की कांस्य की जो मूर्ति बनी है ये 12वीं सदी की है, ध्यान रखेंगे, ये इसका समय का लिख लेंगे 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं शताब्दी लिखा है तो किस मुद्रा में खड़ी है बता दीजिए। तांडव में, बिल्कुल नहीं, अभय मुद्रा में नहीं, ठीक है। अब इसमें दिया त्रिभंग, चाहे कंट्रा पोस्टो अगर दिया है, पोस्टो दिया इसमें, चाहे कथक में दिया, कथक तो होगा नहीं बिल्कुल, और तांडव भी नहीं होगा, दो नहीं होगा, तो किस मुद्रा में खड़ी है ये, त्रिभंग, ठीक है। अब देखिए त्रिभंग है, जैसे अब त्रिभंग अंग भंग होता है ऐसे, जैसे संतल खड़े होते हैं समभंग कहते हैं, अभंग कहते हैं विश्राम में हो जाएंगे, अभंग हो जाएगा, ठीक है। त्रिभंग मतलब तीन जगह से आपके हाथ बाजुए मुड़े रहे उसे तीन जगह से कहेंगे, तीन से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अतिभंग कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि ताजमहल की संरचना का मुख्य पहलू क्या है, साज सज्जा है, चित्रकारी है, संतुलन है, या इनमें से कोई नहीं बताएंगे। ताजमहल की संरचना का मुख्य पहलू क्या है, ताजमहल की संरचना का मुख्य पहलू क्या है, संतुलन, ये किस आकार में है, तो ये वर्गाकार में, ध्यान रखेंगे वर्गाकार आकार में है ये, ठीक है, वर्गाकार है, ध्यान रखेंगे। किसने बनाया था, तो जहांगीर के पुत्र, क्या नाम है, किसने बनाया था, जहांगीर के पुत्र कौन थे, जहांगीर के पुत्र कौन थे, इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां, ठीक है, वेरी गुड, शाहजहां ने कराया था, ध्यान रख रहेंगे। पुत्र से भी पूछ सकते हैं किसके पुत्र ने इसका निर्माण कराया था, तो जहांगीर के पुत्र ने। किसके पिता ने कराया था, तो औरंगजेब के पिता ने कराया था, याद रख रहेंगे तीनों को। पहले आता है बाबर, मुगल वंश की स्थापना करता है, हुमायूं आता है, मुगल कला शैली कह सकते हैं, उसके बाद से अकबर आता है, वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, उसके बाद से आता है जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया, उसके बाद से आता है शाहजहां, स्थापत्य कला चाहे मुगल कला का स्वर्णकाल हो गया, उसके बाद से आता है औरंगजेब की पूरा पतन ले गया, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं औरंगजेब को। ये सभी क्रम है, इन क्रम को याद रखेंगे, क्रम से भी आपको पूछ सकता है। अब आता है कि राजस्थानी चित्रकला किस हिंदू देवताओं के आख्यानों पर आधारित थी, राजस्थानी चित्रकला अगर देखा है तो किस हिंदू देवता के आख्यानों पर आधारित थी, तो ऑप्शन दिया है कि कृष्ण पे, या फिर ब्रह्मा पे, या फिर शिव पे, या फिर विष्णु पे, बताएंगे। पहला दिया है कृष्ण पे, दूसरा दिया है ब्रह्मा पे, तीसरा दिया है शिव पे, और चौथा दिया विष्णु पे, ठीक है, कृष्ण, ब्रह्मा और शिव और विष्णु, क्या हो जाएंगे राजस्थानी चित्रकला शैली में किसको माना गया, तो राधा कृष्ण को वहां पे विषय बनाया गया, प्रमुख विषय किसको बनाया गया, राधा कृष्ण को बनाया गया था। पूरा 100 करा दें, टाइम है तो बताइए, 100 करा देते हैं फिर, कि पार्ट वन पार्ट टू में करा दें, जैसा आप लोग बताइए, पार्ट टू में करा दें कि पार्ट वन में करा दें। हाँ बिल्कुल, क्विज बनी है सबकी, क्विज जितने भी, देखिए हमारे क्लास में एक विशेषता है कि पूछ लीजिएगा लगभग 140 से या जितने भी ओल्ड पेपर हुए, यूनिवर्सिटी हो चाहे आयोग हो, सभी का मैं क्विज करा दिया हूँ। कुछ अभी क्विज हैं जो यूजीसी नेट का भी क्विज चल रहा है, यूजीसी नेट का क्विज अभी टाइपिंग हो गया, यूजीसी नेट का भी हम पेपर करा देंगे इस पे, पार्ट वन पार्ट टू, चलिए ठीक है, पार्ट टू ही तक करा देते हैं, 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन यहीं पे करा देंगे, 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे। अभी पहला दिन सेशन भी था ये, अगर सेशन थोड़ा हो जाए तो अगली बार फास्ट हो जाएगा, ये पहला दिन सेशन है, थोड़ा बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, बस धड़ल्ले से ऑनलाइन में बताना होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अभी इसमें लगभग 43 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और कराएंगे, और बाकी इसमें क्वेश्चन अगले दिन कराएंगे, 50 क्वेश्चन अगले दिन करा देंगे, तो कल सुबह करा देंगे, ठीक है, कल सुबह ही करा देंगे। दिया इसमें कि ढोला मारू नामक पेंटिंग किस शैली से संबंधित है, तो ढोला मारू संबंधित जो पेंटिंग है जोधपुर से संबंधित है, कि मालवा से संबंधित है, कि मेवाड़ से संबंधित है, कि किशनगढ़ से संबंधित है, तो ढोला मारू का संबंध किससे है,
जोधपुर से, ध्यान रखेंगे जोधपुर से ढोला मारू का संबंध है। और ढोला मारू में देखा जाए तो राजा को चाहे राजा रानी को ऊंट पे चित्रण किया गया, ठीक है। हाँ पार्ट टू में कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आज, क्योंकि आज पहला सेशन है, थोड़ा बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी तो कोई देख भी नहीं पाएगा, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाई जा रही है। अब देखिए मुगल स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल के निर्माण में किन दो शैलियों का प्रयोग किया गया था। अब देखिए शैली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने भवन निर्माण यहाँ पे स्टार्ट किया घर पे ही, और जब भवन निर्माण करेंगे तो ये नहीं कि ये पुरानी परंपराओं को लाते हैं, चाहते हैं कुछ नई परंपराओं को हम ऐड करें, कोई शहरी परंपराओं को ले जाते हैं, कुछ गाँव की भी परंपराओं को ऐड करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ था कि जो मुगल स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ जो कृति है ताजमहल, इसमें भारतीय और फारसी का दोनों शैलियों का मिश्रण करके इसका निर्माण किया गया था, जो एक वर्गाकार अवस्था में है, और संगमरमर का भी प्रयोग किया गया यहाँ पे, मरकाना संगमरमर है, राजस्थान से जाता था, इसके लिए इसका निर्माण किया गया, किसका, ताजमहल का, कहाँ पे, आगरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सवाई जय सिंह प्रथम, जिनका समय काल 1699 से लेके और 1743 तक है, के शासनकाल के दौरान दरबारी चित्रकार कौन था जिसकी कृतियों पर मुगल प्रभाव झलकती है, चाहे झलक दिखाई देती है। आपसे बहुत सही है, सवाई देखा जाए तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है कि सवाई जय सिंह के समय में देखा जाए तो 1699 से लेकर 1743 के शासनकाल में दरबारी चित्रकार कौन था जिसकी कृतियों पर मुगल प्रभाव झलक दिखाई देती है। निहाल चंद तो बिल्कुल नहीं है, ये तो किशनगढ़ शैली से, ये जयपुर से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। सुरजन है, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे, सुरजन कोटा बुद्धि में क्यों जाएंगे हम लोग। मोहम्मद शाह है, क्योंकि जयपुर जो शैली थी इसमें मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। अरे गलत कोई नहीं कर रहा, चले ध्यान दीजिए, कंप्रोमाइज करिए, ठीक है। तो ध्यान रखें मोहम्मद शाह है, इसको ध्यान रखें, मोहम्मद शाह ने, ठीक है, चाहे मोहम्मद शाह की कृतियों पर देखा जाए तो अगर बात करते हैं कि मोहम्मद शाह ऐसा चित्रकार था जो मुगल कला का, चाहे मुगल का प्रभाव इस पर दिखाई देता है, ठीक है, सवाई जय सिंह के शासनकाल का, चाहे इसके शासनकाल में ये चित्रकार था। कांगड़ा की पहाड़ी चित्रकला की खोज करने का पहला व्यक्ति कौन था, कि कांगड़ा की पहाड़ी चित्रकला की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन दिया कि अनंत कुमार स्वामी, मुल्कराज, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दिया मेटकॉफ। किसने किया था, मेटकॉफ ने किया था, बी, सभी लोग बताइए कौन होगा सही। इसमें जुड़े बहुत कम है, शाम का सेशन थोड़ा, सुबह का सेशन रखते हैं या नाइट का सेशन रखते हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो मेटकॉफ महोदय हो जाएंगे, उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि आइडियल ऑफ द ईस्ट, ये पुस्तक बहुत बेस्ट पुस्तक है, पूछता भी है कि आइडियल ऑफ द ईस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है इसमें, प्रदीप पर्सी ब्राउन, बिल्कुल नहीं, आनंद कुमार स्वामी, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला का ऑप्शन क्या, ओका कूरा काकूजो, क्या हो जाएंगे इसमें, कौन सही हो जाएगा इसमें, हाँ ओका कूरा काकूजो हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं चैतन्य के गृह त्याग का चित्र बंगाल शैली के किस चित्रकार ने बनाया था, यामिनी राय, क्षितिननाथ मजुमदार, शारदाचरण उकील, और अवनींद्रनाथ टैगोर, बताएंगे। क्षितिननाथ मजुमदार, ये देखा जाए तो इनके जो गुरु थे जिनका नाम है क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका, इनके गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर, ने देखा जाए तो इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा था, किनको, चैतन्य सिद्ध कलाकार किनको कहा था, क्षितिननाथ मजुमदार को। उनका एक कहना था कि अवनींद्रनाथ टैगोर खुद कहे थे कि क्षितिननाथ मजुमदार चैतन्य सिद्ध कलाकार हैं, और जो नंदलाल बोस हैं वो शिव सिद्ध कलाकार हैं, और मैं खुद अपने को बोले थे कि मैं मुगल सिद्ध कलाकार हूँ बंगाल शैली के। ये तीन हैं सिद्ध कलाकारों में, एक मुगल सिद्ध कलाकार जिसको कहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर, एक शिव सिद्ध कलाकार जिसको कहते हैं नंदलाल बोस, और एक होते हैं जो चैतन्य, देखा जाए तो चैतन्य का गृह त्याग चैन सिद्ध कलाकार, तो उसको मानते हैं क्षितिननाथ मजुमदार को। ये तीनों याद रख रहेंगे, आपका फॉर्मेट है, तीनों को याद रख रहेंगे। ये सभी देखा जाए तो यामिनी रंजन राय के बारे में चर्चाएं करेंगे, इन्होंने बहुत से ऐसे चित्रकारी की है। अब देखा जाए मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस कलाकार ने बनाया था, मिस्किन ने,
मंसूर ने मिस्किन दिया है और अबुल हसन दिया है और यहाँ पे मंसूर दिया है, यहाँ पे दिया है हाजी मदनी ने। किसने बनाया था? मैडोना की तस्वीर लिए हुए जहांगीर। अबुल हसन ध्यान रखेंगे, हाँ मिस्किन देखा है तो मंसूर भी है, तो मंसूर पक्षी चित्रकार था, हाजी मदनी को नहीं लगाएंगे। मिस्किन देखा है तो अकबर कालीन, ये ठीक है, ये अकबर कालीन पक्षी चित्रकार माना जाता है और पूरे मुगल चित्रकला शैली में दूसरे नंबर पे ये सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार है। और फर्स्ट पे कौन है? तो मंसूर फर्स्ट पे पूरे मुगल चित्रकला शैली का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार है। उसके बाद से कौन है? मिस्किन है। और अबुल हसन पूरे मुगल चित्रकला शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, जो किसके दरबारी था? तो जहांगीर के दरबारी था। और जहांगीर के समय में सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ क्या बनी थी? सबीस चित्र बनी थी। और जो सबीस चित्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो बिशन दास माना जाता है, ठीक है, बिशन दास माना जाता है, इसको ध्यान रख रहेंगे। ये हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन और बचा है आप लोग देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिख रहे आप लोगों को विवादित क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत से बालक क्या हो गए थे, इसमें फेल भी हो गए थे TGT 2013 में, 2021 में 9.7 के लोग 10.5 को लेके, 10.5 में किसी को सस्पेंस होगा तो बताएगा, मैं उसका साक्ष्य भी दे दूंगा। एक बार पेपर में नहीं, लगभग तीन तीन बार पेपर में उसको प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर में पूछा गया है। ओल्ड पेपर में आपको एक बेनिफिट है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे। ओल्ड पेपर आपने नहीं किया तो बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, अगर आपने ओल्ड पेपर कर दिया तो सबसे आसानी है। तो क्या दिया इसमें कि नृत्य की मुद्रा में लड़की की लघु मूर्ति किस स्थल पर पाई गई है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी में, चाहे कोटदीजी में। ध्यान रखेंगे इसकी माप यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, और माप में ध्यान रखेंगे, माप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर ये माप आपको नहीं देता है तो 4.01 इंच भी रख लेंगे, ये भी इसकी माप देख लेंगे। दिया कि 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है, तो पूछा था ना कि नृत्यकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 10.5 सेंटीमीटर माना था आपके आयोग ने, ये भी सही कराया गया है। और ये बहुत से NCERT की बुकों में दिया है, सबसे पहली बात है कि हर NCERT में इसको इतना ही माना है, बाकी कोई लोकल बुक हैं जो गाइड बुक हैं वो उसको क्या माना है, तो उसको माना है 9.7। दीता प्रताप भी ज़्यादा उम्मीद है वो भी लिखी है, लेकिन कोई नहीं, हम किसी बुक का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं, ना किसी बुक की अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन जो NCERT है उस NCERT की बेस पे हम कर रहे हैं कि NCERT जो लिखी है अच्छी लिखी है। जैसे रुड़की NCERT भी बहुत अच्छी है, राजस्थान की भी NCERT है, राजस्थान की जो 2-3 NCERT है बहुत पुरानी है, लगभग 2006 और 2007 का वो प्रकाशन है, उसमें भी दिया है। 2000 NCERT मेरे पास राजस्थान की 2007 और 2006 का संस्करण है मेरे पास, और उसमें भी मैंने इसको चेक किया था तो मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति है, जो नृत्यकी की मूर्ति है, 10.5 सेंटीमीटर ही उसकी ऊंचाई दिया है। अब वो उतनी NCERT पुरानी है उसमें भी दिया है, नए NCERT 2014 और 2013 की NCERT जो रुड़की की है उसमें भी दिया है 10.5, और बाकी किसी बुक में दिया हो जैसे भी दिल्ली की NCERT में भी दिया है 10.5, और सभी NCERTओं में देखा है तो 10.5 ही दिया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इसका समय काल तो 2500 ईसा पूर्व है, ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो जो मूर्ति सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक ही मूर्ति है जो पुजारी की मूर्ति है वो कराची संग्रहालय में स्थित है, बाकी जो मूर्तियाँ हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये लगभग आपका 50 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हो गई आज KBS 2013 की। एक पार्ट और बचा है तो एक पार्ट मैं आपसे पूछ लूँगा कि जब आप लोग कराना होगा, ठीक है, उस ग्रुप में तो मैं एक बार मैसेज कर दूँगा, ठीक है। सी कौन बता रहा है? राखीगढ़ी। देखिए ये सीरीज आज की कंप्लीट होती है लगभग 50 क्वेश्चन की, कुछ इसमें किसी को दिक्कतें हों, कुछ इसमें कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं फिर उसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ या फिर बता देता हूँ किसी प्रश्न में आपको सस्पेंस हो तो, किसी प्रश्न में आपको अगर सस्पेंस हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न में सस्पेंस था। ये देखिए ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे लाइव, मैं मेरी ये पहली क्लास हो रही है कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ।
अगर पहली बार मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी कि अगर हो सकता है कि आप लोग कह दें कि नहीं सर इसमें कुछ सुधार कर लीजिए, बेहिचक से बताइएगा कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। अगर आप हमारी गलतियाँ दूर से बताते हैं तो हो सकता है कि हम सुधार कर लें, नज़दीक से तो किसी गलतियाँ पता नहीं है, तो बेहिचक आप बताइएगा, मैं अपनी गलतियाँ स्वीकार करूँगा और आने वाली वीडियो में बेहिचक उसको सुधार करूँगा अगर आपको लगे कि ये गलतियाँ हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ जाइए, क्योंकि अगर इसका पेपर कराया जाए तो कम से कम आपको बेनिफिट लगे। बेनिफिट ये हो कि अब पढ़ाया गया है, जब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल माइंड में बूस्ट हो जाएगा, वो एग्जामिनर एग्जाम बूस्टर की तरह वो काम करेगा, बहुत अच्छे से आप उसको हल भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। मेरा एक जो भी शब्द था मैंने समझाने का आपको प्रयास किया हूँ, ठीक है, कि आप समझ जाइए। अगर आपको भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ त्रुटियाँ होंगी तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है, ठीक है, कि आप मेरी गलतियाँ बताएं और मैं उसको सुधारूँ। मेरा भी एक बड़प्पन है कि मैं अपनी गलतियाँ समझ के उसको भी मैं सुधारूँ। सर एक KBS TGT का पेपर है या PGT का? अब KBS से TGT में है, ठीक है, दो जितना भी पेपर है मैं सबको करा दूँगा, ठीक है, जितना भी अगर पेपर है वो मैं सभी करा दूँगा। लगभग मैं बता दूँ 4 महीने वर्क किया हूँ, ऊपर ही हो गया होगा, 4 महीने पूरे वर्क में मैंने 140 ओल्ड पेपर हल किया है, सोच लीजिए कितना मेहनत हुआ उसमें। UGC नेट का पेपर सब हल है, हरियाणा जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो भी BFA MFA सबका पेपर हल है। टाइम मिलता रहेगा तो हम यहाँ पे जुड़ के कराते रहेंगे आप लोगों को। और आपको अगर इसकी क्विज करनी है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है मेरे आल ग्रुप में, तो उसमें आप क्विज करने के लिए उसमें जुड़ जाइए और कोशिश करिए कि उसमें जितने भी शाम का क्विज कराया जाता है उसको अटेंड करिए आप लोग, क्योंकि नए नए क्वेश्चन प्रश्न उत्तर उसमें लाया जाता है, ठीक है। और आज की क्लास के लिए आप लोग फीडबैक दे देंगे कि पहली मेरी क्लास कैसे रही। सर बस स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए लीजिएगा। अरे स्क्रीन तो बड़ा ही है, स्क्रीन बड़ा ही है। आज की क्लास के लिए आप लोग फीडबैक दे देंगे कि क्लास कैसे थी, कुछ कमियां होगी तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा। हाँ नेट का पेपर, अरे क्वेश्चन टाइप तो हो जाए, उसका क्विज बन रहे हैं, क्विज उसका बन रहा है, टाइपिंग हो रही है, 3-4-5 पेपर का टाइपिंग कम्प्लीट हो गई है, ठीक है, तो अब उसकी टाइपिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं उसको करा दूँगा। टेलीग्राम क्लास का नाम, अरे शेखर क्लासेज, ठीक है, शेखर पहली मेरी क्लास है। देखिए हमारी गलतियाँ पॉइंट बाई पॉइंट नहीं लिखते हैं कि किसी की विशेषताएँ लिखते हैं, किसी की लाभ और किसी की हानियाँ लिखते हैं, तो आप पॉइंट बाई पॉइंट हमारी गलतियाँ नोट करके यहाँ से लिख देंगे कि हाँ सर आपने थोड़ा फास्ट पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेन आपने नहीं किया, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका प्रमाणिक नहीं दिए। अगर प्रमाण भी चाहिए तो आपको मैं यहीं पे, चाहे बुक जो भी हो जिस बुक से प्रमाणिक करके माना गया, चाहे जो इसका फाइनल आंसर किया उसके माध्यम से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा बस यही प्रमाण है और कुछ नहीं। अब ये नहीं कि हम अपने मन से किसी क्वेश्चन को डाइवर्ट करके बनाते हैं, बुक से पढ़िए, कोशिश करिए कि बुक पढ़िए, किसी क्या बोलते हैं गाइड का प्रयोग मत करिए। गाइड का प्रयोग करेंगे तो वन लाइनर में कोई लिख देगा, इसको क्या लिखेगा गाइड, जानते हैं क्या कि नृत्य की जो मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है, किससे बनी है, तो कांसे से बनी है, ये गाइड ने आपको लिख दिया और आप इसको रट लिए, खूब अच्छे से रट लिया, तो एग्जामिनर थोड़ी जानता है कि आपने कांसे ही रटा है। अब वो जानता है कि ठीक है, अब वो ये जानता है कि आपने पढ़ा क्या है, उसके डीप में पढ़ा है कि नहीं। अगर आपको वहाँ से ऑप्शन चेंज कर देता है कि नर्तकी की मूर्ति किस में बनी है, आपको दे देगा कि वहाँ पे पत्थर में बनी है, लकड़ी में बनी है, या फिर ईंटों से बनी है, या धातुओं से बनी है, तो आपका तो कांसा आउट हो गया वहाँ से। मेरा एक ही पद्धति है, मैं अपने क्लास में बच्चों को अब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ कि 3 फॉर्मेट में 3 ऑप्शनों पर हम लोग वर्क करते हैं। अगर ऑप्शन ए नहीं मिलता है तो बी को ढूंढते हैं, बी बताते हैं बच्चों को, बी भी नहीं मिलता है तो सी बताते हैं, इस पे हम पढ़ाते हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो पता चला कि हमने तो ये बता दिया, एग्जाम हाल में बी आ जाए, ये ना दे दो वहाँ पे, तो बच्चे कहेंगे सर ने तो ये पढ़ाया था, इसका मतलब सर भी रट के पढ़ाएं, किसी बुक या किसी PDF को रट के इस तरह पढ़ाना गलत बात है। किसी भी फॉर्मेट, किसी भी अगर बुक को, चाहे किसी प्रश्न को, 3 लेवल पर आप जा रहे हैं, 3 लेवल नहीं जाएंगे तो 2 लेवल तो मिल ही जाएगा, अधिकांश सब 3 लेवल मिल जाता है, 4 नहीं मिल पाता है, 3 तो हमारे पास है लेकिन चौथा भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चौथा की जरूरत भी नहीं है, तो 3 लेवल मिल जाएगा तो किसी भी पेपर को आप इजीली हल कर लेंगे। अगर वो लेवल नहीं मिलता है तो दिक्कतें आपके पास हो जाएगी। देखिए चलिए अच्छा है, नहीं कमी आप लोग बता देंगे, देखिए हम बता दें मेरी पहली क्लास है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मेरी क्लास यहाँ पे चलेगी, अगर सहयोग आपका नहीं रहा तो क्लास हमारी नहीं चलेगी, मैं तो आपसे बताया ही खुद। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, सभी को बायोटेक केयर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अभी इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद जब भी क्लास होगी तो उसमें हम मैसेज पिन कर देते हैं, चाहे इस पर भी आप जुड़े रहेंगे
तो अगर चैनल से जुड़े हैं, हमारे सेक्रेट क्लासेज आर्ट जो चैनल है यूट्यूब पे, अगर इससे आप जुड़े हैं तो आपको हमेशा इससे अपडेट मिलती रहेंगी। कुछ इससे वीडियो पर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं आपको, कि एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न डेली दिए जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, कुछ उसमें समझने वाली बातें होती है, उसको भी हल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपको पेपर मिलता ही रहता है, संडे को मॉडल पेपर कराया जाता है, बस इसके वजह से आज मॉडल पेपर नहीं हो पाया। तो अगले सेशन से कोशिश रहेगी अगले संडे से सभी को शेड्यूल एक अच्छा बना के कर दिया जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सभी को बाय, टेक केयर। जो भी कमियां होगी एक बार बता दीजिएगा, और हमारी कमियां है तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक बनाइएगा। चलिए, हाँ, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, और आपका सहयोग रहा तो अगला क्लास होगा, क्लास हो जाए तो अच्छी बात है। आप लोग अगर पढ़ने के लिए ललक हैं आपके पास, तभी हम पढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें के लिए कहाँ बोलेंगे, कोई बोलने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ठीक है, तो पुनः सभी को बायो, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, और कुछ नया लेके अच्छा एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, सभी को बायो, टेक केयर।